राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार हो। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार हो। राम राज्य साकार हो। हैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का हैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैविक भवतापों से। दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार हो। राम राज्य साकार हो। चल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। शांति का उमड़ घुमड़ बादल शांति का नभमंडल में छा जाए। राम राज्य साकार हो। राम राज्य साकार हो। का पार विषमता की खाई, मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। चल उठे पुरवाई, सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदार्थ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदार्थ श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। हे भगवती, अंतःकरण में आँच प्रकट हो जाइए, दीन दुखियों के प्रति संवेदना छलकाइए। करुणा स्वरूप तुम्हारा त्रस्त हृदयों को शीतल करे। दानव दमन कर काली रूप निष्प्राण समाज में प्राण भरे। आवाहन देते तुमको माँ, ले ज्ञान खड़ग अवतार धरो। अपनी दिव्य ज्योति का जागरण हर घट में आज करो। अपनी दिव्य ज्योति का जागरण हर घट में आज करो। ऐसी प्रार्थना और समाज कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से आप्लावित हो महामाई के आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अपने दिव्य धाम आश्रम के दिव्य परांगण से दिव्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्त श्रद्धालुओं के लिए लेकर उपस्थित हुआ है दिव्याति दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय दिव्य एवं भव्य आयोजन। इस कथा के सभी यजमान एवं श्रोतागण जो इस डिजिटल कथा फेस्टिवल के आयोजन से वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी भक्त श्रद्धालुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही मंचासीन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास महामनस्विनी साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साध्वी Aditi Bharti Ji has done her BSc honors in zoology and she is a gold medalist in MSc environmental studies. She has also worked with the International Union for Conservation of Nature and currently she is the Pan India in charge of the Sanrakshan project of the organization. हम बताना चाहेंगे कि साध्वी Aditi Bharti Ji ने देश के कोने-कोने में जाकर महामाई की इस महान कथा के माध्यम से असंख्य लोगों के जीवन में उस आध्यात्मिकता के दीप को प्रज्वलित किया है और वो निरंतर इस कार्य में लगी हुई हैं। देवियों और सज्जनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णित आदिशक्ति की विभिन्न अवतार, लीलाएं और दिव्य कार्य केवल हमारे गौरवशाली इतिहास का अंग मात्र नहीं है। They are not just a part of history, but they shaped history, shaped lives, shaped nations. जिस समय हमारा भारत देश जगत गुरु कहलाता था, ग्लोबल ट्रेड हब था, हर प्रकार से संपन्न था। समस्त संसार यहाँ के ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का दम भरता था। उस समय उसकी संपन्नता, ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का आधार थे हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ और इनमें निहित आध्यात्मिक वैज्ञानिक सूत्र एवं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल्स, जिन्हें उस समय लोगों ने केवल पढ़ा ही नहीं था बल्कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया था। आज आवश्यकता है उन्हीं एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स को, उन्हीं प्रैक्टिकल सूत्रों को एक बार फिर उजागर करने की। लेकिन ये बात जब आज का मॉडर्न बुद्धिजीवी वर्ग सुनता है तो वो प्रश्न करता है कि इन हजारों वर्षों पूर्व लिखित ग्रंथों का, इन हजारों वर्षों पूर्व घटित घटनाओं का आज के समय में क्या महत्व है, क्या लाभ है? हाउ डू दे फिट इनटू दिस 5G हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड? यही प्रश्न सज्जनों एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने किया था जब वो एक फॉरेन कंट्री में प्रभु की कथा का वाचन कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी कथा बांच रहे थे। उस व्यक्ति ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए पूछा, स्वामी जी, ये जो आप कथा वाचन कर रहे हैं, दिस इज आउटडेटेड। इसका आज क्या लाभ, आज क्या महत्व? यू आर वेस्टिंग आवर टाइम। उस समय स्वामी जी ने उस व्यक्ति की बात को नजरअंदाज किया और पुनः कथा बांचने लगे। लेकिन कथा खत्म होने के उपरांत स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति के पास गए और ठीक उसके सामने खड़े होकर उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कुछ क्षण वो उस व्यक्ति को अपशब्द कहते रहे और फिर वहां से चल दिए। स्वामी जी के मुख से इस प्रकार अपशब्द सुन वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उससे सहन नहीं हुआ और वो क्रोध में तमतमाता हुआ स्वामी जी के पीछे दौड़ा और उनका मार्ग रोकते हुए बड़े ही रूखे स्वर में कहा, आपने मुझे इस प्रकार अपशब्द क्यों कहे? आपने मेरा इस प्रकार अपमान क्यों किया? इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही सहजता पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, बंधु, मेरे द्वारा कहे गए बुरे शब्दों का आप पर इतना प्रभाव हुआ तो जरा सोच कर देखिए, हमारे शास्त्र ग्रंथों में निहित प्रभु की दिव्य लीलाएं, उनके दिव्य कार्य, उनका प्रेरणादायी सकारात्मक चरित्र, इनसे ओत प्रोत इस कथा का सुनने वालों पर कितना शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आज के इस समय में ऐसी धार्मिक सभाओं की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मानव समाज जो विनाश के कागार पर खड़ा हुआ है वो बच जाए, हमारे भीतर परिवर्तन का वो दीप प्रज्वलित हो सके जो हमारे जीवन के समस्त अंधकार को दूर कर हमें स्पिरिचुअली एनलाइटेंड स्पार्कलिंग पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म कर एम्पावर करे, ताकि हम औरों के जीवन को भी रोशन कर सकें। हमारा भारत देश अपनी खोई गरिमा, औदे और संपन्नता को फिर से प्राप्त कर सके, ऐसी मनोकामना के साथ आदरणीय कथाव्यास महामाई से एकाकार हो बड़े ही सरल और रोचक ढंग से महामाई के विभिन्न लीला अवतारों के पीछे छुपे वास्तविक रहस्यों को आपके समक्ष उजागर करेंगी, जिन्हें आप बड़ी ही सहजता से अपनी लाइफ से रिलेट कर सकेंगे। तो क्या तैयार हैं आप अपने मन और चित्त को महामाई के इस कथा अमृत से भरने के लिए? इससे पहले कि हम आदरणीय कथा व्यास जी से आज की कथा के प्रतिपादन हेतु आग्रह करें, हम बताना चाहेंगे कि इस कथा के जो सभी यजमान हैं वो ऑनलाइन पूजन आरंभ कर चुके हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार, दिल्ली से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी, श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर दिल्ली से श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी आर.के. आश्रम मार्ग दिल्ली से, श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी सरस्वती विहार गुरुग्राम से, श्री मनसाराम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी नारायणा दिल्ली से, श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी एजीसीआर एनक्लेव दिल्ली से, श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनके सुपुत्र श्रीमान कुलभूषण जी पहाड़गंज दिल्ली से, श्री सोबराम सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी गोल मार्केट दिल्ली से, श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी न्यू राजधानी एनक्लेव दिल्ली से, स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी मयूर विहार दिल्ली से, कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी श्रीमती बादामी देवी जी करोल बाग दिल्ली से, श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी वेस्ट पटेल नगर दिल्ली से, श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु जी वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से, श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी मयूर विहार दिल्ली से, श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी करमपुरा नई दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री संजय चौहान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति चौहान जी जीटीबी एनक्लेव दिल्ली से, श्री मिनेंद्र वार्ष्णेय जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता वार्ष्णेय जी साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, श्री राजेश कुमार शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चेतना शर्मा जी शहादरा दिल्ली से, श्री महेंद्र कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता देवी जी शादीपुर दिल्ली से, श्री अशोक शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम शर्मा जी करमपुरा दिल्ली से, श्री शत्रुसूदन कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता करण जी बलजीत नगर दिल्ली से, श्री धर्म सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू देवी जी मीत नगर दिल्ली से, श्री वकील कुमार गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला गुप्ता जी मयूर विहार दिल्ली से। आए अब समय हो चुका है आज के प्रथम दिवस की कथा को श्रवण करने का, जिसके लिए हम आप सभी की ओर से एक बार पुनः आग्रह करते हैं मंचासीन आदरणीय कथा व्यास जी से। एक बुलंद जयघोष महामाई के श्री चरणों में लगाएंगे। बोलिए राज राजेश्वरी माँ जगदम्बा भवानी की जय, आदि शक्ति माँ उमा भवानी की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। Shri Gurave श्री चरणों में, जिन गुरुदेव की कृपा के अभाव में वेद शास्त्र पुराण यंत्र मंत्र शैव शाक्त आगम ये सभी विधाएं केवल मानव के चित्त को भ्रमित करती हैं, जिन सद्गुरु की कृपा से समस्त ज्ञान मानव के भीतर उतरता है, ये हमारा सौभाग्य है कि समय के पूर्ण सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में हम इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है, हे गुरुदेव, ये समस्त ज्ञान श्रेष्ठता की ओर हमारा मार्गदर्शन करे। हम सभी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। वंदन करते हैं उनके श्री चरणों में, वह जिनकी महिमा में शास्त्र नेति नेति कह उठते हैं, जो इस संपूर्ण जगत की माता हैं, जिनके पावन सानिध्य में आज हम बैठे हैं, जिनके लीला चरित्रों को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन महादेवी के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। बोली आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, राज राजेश्वरी ब्रह्ममय माँ अंबिका भवानी की जय, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। माँ के प्रिय भक्तों, आप सभी जो YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ देश विदेशों से जुड़ चुके हैं, आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से इस श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। माँ के प्रिय भक्तों, जानते हैं मानव सभ्यता का एक अनमोल खजाना है जो भारतवर्ष ने युगों युगों से सहेज कर रखा है। वो खजाना जो हर विपदा में मानव को समाधान प्रदान कर सकता है, वो खजाना जिसमें मानव के उत्थान का सूत्र निहित है, और गहन से गहन काली रात्रि में वो खजाना एक अमोघ प्रकाश के बाण की तरह काम करता है। जानते हैं वो क्या है? भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर, जिसने वर्षों वर्षों तक इस संपूर्ण विश्व को पोषित किया है। यस, द रिच कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया which has enriched the world since time immemorial. It is for this reason that the great American writer Mark Twain could not stop himself from saying that India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of tradition, and the great-grandmother of legend, are most valuable and instructive materials in the history of man are all treasured up in India. जी हाँ, भारतवर्ष का ये ज्ञान, ये विज्ञान, ये अध्यात्म विज्ञान, इसने समूचे विश्व को समय समय पर पोषित किया है, चिरकाल तक पोषित करता हुआ आया है। और भारत की इसी सांस्कृतिक मंजुषा की अभिव्यक्ति है भारतवर्ष के शास्त्र और ग्रंथ। ये शास्त्र और ग्रंथ किसी एक वर्ग के लिए, किसी स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए, या किसी एक समय के लिए नहीं लिखे गए थे। ये समस्त ग्रंथ लिखे गए थे चिरकाल तक मानव को प्रेरित करने के लिए। और आज उन्हीं ग्रंथों में से एक दिव्य रत्न श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसे लेकर हम आप सबके समक्ष आए हैं। ये ग्रंथ मणि, इसके रचयिता हैं समय के बेस्ट सेलिंग ऑथर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। उन्होंने जब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का निर्माण किया तो इसकी महिमा में खुद ही कहा कि ये समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ है। वह कहते हैं, यथा सरत्सु प्रवरा गंगा देवेशु शंकराहा काव्यं रामायणं यद्व ज्योतिषमत्सु यथा रवि आह्लादकानां चंद्रश्च धनांश यथा यशः क्षमावतां यथा भूमिर गांभीर्यो सागरो यथा मंत्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृति अष्टादश पुराणानां देवी भागवतं तथा। वो कहते हैं, जैसे नदियों में गंगा जी की महिमा है, सभी देवों में भगवान शंकर की महिमा है, समस्त काव्यों में रामायण की महिमा गाई जाती है, आनंद प्रदान करने वालों में चंद्र की महिमा है, समस्त प्रकाशकों में सूर्य देव की महिमा है, यश में धन की महिमा है, गंभीरता में सागर की महिमा है, और पाप नाश के उपायों में हरि स्मृति है, मंत्रों में माँ सावित्री की महिमा है। इसी तरह समस्त 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महिमा है, उसका स्थान है, सर्वश्रेष्ठ है ये ग्रंथ। उनका ऐसा महिमा गान करने का उद्देश्य केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं था भक्तों। वास्तव में उन्होंने जब इस ग्रंथ की रचना की तो उसके पीछे उनका एक उद्देश्य छिपा था। उन्होंने कली काल के आगमन पर, कली काल को जब देखा कि वो अपनी प्रचंडता को लेकर के आएगा, उस समय मानव की आयु अल्प होगी और उसका विचार निम्नता की गर्त में जाएगा, ये देखकर मानव समाज को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक ऐसे संबंध को पुनरावृत किया जो संबंध मानव को अत्यंत प्रिय है, हर एक के हृदय के बहुत करीब है। जानते हैं वो संबंध कौन सा है? जिसकी आंचल में खिलती है जीवन की कली, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखती है जिंदगी, जो साथ है तो आशा लगती है हर डगर हर गली, जिसकी मुस्कान भर देती है कदमों में गति, जिसकी तुलना में हर वस्तु छोटी है, जिसका प्रेम अनंत कोटि है, वो माँ है, वो माँ है, और वो माँ ही है जो अपनी संतानों पर निस्वार्थ प्रेम लुटाती है। भक्तों, ये शब्द माँ, एक बार आंखें बंद करके बोल करके देखिए इस शब्द को, माँ। ऐसा शब्द है जिसको कहते ही हृदय में मिठास घुल जाती है, हृदय आनंदित हो उठता है, क्योंकि वो माता ही तो है जिससे हमारा अस्तित्व है, वो माता ही तो है जिसने हमें इस सृष्टि में लाया है, वो माता ही तो है जिसने इतने कष्ट उठाए, स्वयं त्याग किया और हमारे जीवन को संवारा है। वो केवल 9 माह तक हमें गर्भ में नहीं पालती, वो तो अपना पूरा जीवन हमारे परवरिश में, हमारे उत्थान में समर्पित कर देती है। वो माता ही तो है जो रात रात भर देखती है जागकर कि हम पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं या नहीं। वो माता ही तो है जब भी हम कभी हार कर लौटते हैं तो वह हमें प्रोत्साहित कर देती है। वो माता ही तो है जब कभी हम जीत कर लौटते हैं तो वो हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा देती है। वो माता ही तो है जो किसी भी स्थिति में हमें त्यागती नहीं है, हम चाहे कितने भी मैले होकर क्यों ना आए, एक संतान कितनी भी गंदगी समेट कर क्यों ना आए, परंतु माँ उसे अपने आलिंगन में समेट ही लेती है। और केवल समेटती नहीं है, उसे स्वच्छ, उसे निर्मल और एक बार पुनः सुंदर बना देती है। यही तो उस माता की महिमा है। मुझे यहाँ पर एक किस्सा स्मरण हो आता है। ये किस्सा है, ये इंसिडेंट है थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन का। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें हम बल्ब के आविष्कारक के नाम से जानते हैं, जब वो मात्र 8 वर्ष के एक बालक थे, तब एक दिन उनके स्कूल में उनकी टीचर ने उन्हें एक नोट दिया और कहा, थॉमस इसे जाकर अपनी माता को दे देना। थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल से लौटे और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ के हाथों में वो नोट थमा दिया। मानिया जैसे ही वो नोट लिया और पढ़ना प्रारंभ किया तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। थॉमस ने माँ को रोते हुए देखा तो कहने लगे, माँ ऐसा क्या लिखा है इस पर्चे में, आप यूँ रो क्यों रही हैं? तब माँ ने कहा, थॉमस जानते हो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है योर सन इज अ जीनियस and our school is not enabled enough to teach a genius, therefore teach him at home from tomorrow. और जब थॉमस एल्वा एडिसन ने यह सुना तो वो मुस्कुराने लगे, आनंदित हो गए। माँ रो रही है लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन बहुत खुश हैं। अगले दिन से ऐसा ही हुआ, माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। समय व्यतीत होता गया, थॉमस एल्वा एडिसन बड़े हो गए, उनकी माता का देहांत भी हो गया। और उस समय एक दिन जब वो फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे तो वो वापस घर लौटकर अपने पुराने एक दराज को साफ कर रहे थे, पुराने ड्रॉर्स को खाली कर रहे थे। उसी ड्रॉर में उन्हें एक पुराना सा कागज़ मिला। वो कागज़, वो नोट जब उन्होंने खोल कर पढ़ा तो आज थॉमस एल्वा एडिसन फूट फूट कर रोने लगे। कई घंटों तक रोते रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नोट, वो वही नोट था जो 8 वर्ष की आयु में उनकी टीचर ने उन्हें दिया था। आज जब उस नोट को खोलकर उन्होंने देखा तो उस नोट में लिखा था, योर सन इज मेंटली इल, सो डोंट सेंड हिम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, टेक केयर ऑफ हिम एट होम। जब थॉमस एल्वा एडिसन ने ये पढ़ा तो वो बहुत रोए, बहुत रोए। उन्हें आज वो सारे पल याद आ रहे थे जो उनकी माता ने उनके ऊपर समय लगाया था, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो त्याग उन्होंने किया था। और उस दिन थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी डायरी उठाई और उस डायरी में लिख दिया, आई थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अ मेंटली इल चाइल्ड, but by the grace of a superhero mother, I have become the inventor of the century. मैं तो एक मानसिक रूप से अपंग शिशु था जिसके लिए कोई संभावना नहीं थी। स्कूल वालों ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी माता का ही अनुदान है, उन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से मैं इन्वेंटर बन गया, इतना फेमस साइंटिस्ट बन गया। भक्तजनों, ये है माता का त्याग, ये है उनका समर्पण अपनी संतान के प्रति, ये है उनकी शक्ति। वो परमात्मा तो कच्ची मिट्टी से बालक सौंपते हैं माँ के हाथ में, लेकिन माता ही अपने प्रेम से उन्हें ऐसे सींचती है कि फिर स्वर्णिम आकृतियाँ, दिव्य मूर्तियाँ बनकर समाज में वो स्थापित हो जाते हैं। भक्तों, सोच करके देखिए, जिसने एक सांसारिक माता में इतना प्रेम भरा है, वो आदि शक्ति जगत जननी जो हम सबकी माता है, इस संपूर्ण संसार की माता है, जो हमें पोषित करने के लिए संपूर्ण विश्व में विस्तृत है, वो जगत जननी हमसे कितना प्रेम करती होगी, वो हम पर कितने अनुदान लुटाना चाहती होगी, वो हमारे लिए कितनी चिंतित होती होगी। जब जब हम दुखी होते हैं ना, तो वो माता ही आती है हमें प्रेम प्रदान करने के लिए। और ये माता की ही अनुपम कृपा है, अनुपम कृपा कि उन्होंने स्वयं अर्धश्लोकी देवी भागवत के रूप में इस ग्रंथ को मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने तो इस अर्धश्लोकी देवी भागवत को बस उठाया, माँ की कृपा से उसका विस्तार किया और हमारे समक्ष 12 स्कंदों, 318 अध्यायों और 18,000 श्लोकों से संपन्न ये बृहद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रख दिया। वास्तव में तो ये माँ का प्रेम है जो उन्होंने हम पर लुटाया है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। भक्तों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि माँ की अनुपम लीलाओं को श्रवण करने का, माँ के उस दिव्य अंक में बैठने का हमें ये सुअवसर मिल रहा है, क्योंकि ये कथा हमें संवारने आई है, हमें बनाने आई है। और इस कली काल में जहाँ प्रेम, सौहार्द, बंधुत्व ये केवल शब्द मात्र रह गए हैं, जहाँ एक ओर प्रेम का अभाव है और दूसरी ओर मानव दुर्बल और असहाय है, वहाँ पर केवल और केवल मात्र माता का ही प्रेम है। वह माता ही वो रोल मॉडल है, वो माता ही है जो एक मानव के भीतर प्रेम और शौर्य दोनों को प्रकट कर सकती हैं। जानते हैं उन्हें देवी क्यों कहा जाता है? संस्कृत के दिव धातु से निकला है ये शब्द देवी। संस्कृत के दिव धातु का अर्थ है आलोक, प्रकाश, ज्योति, अर्थात जो हमारे जीवन को आलोकित करे, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे, वह है देवी। और माँ की ये दिव्य कथा हमारे जीवन में आई है, हमारे जीवन को पोषित करने, आलोकित करने, दिव्य चेतना से स्पंदित करने। लोग अक्सर हमसे आकर पूछते हैं कि प्रभु श्री राम की कथा सुनते हैं तो वह कथा हमें मर्यादा सिखाती है, जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं तो हमें प्रेम, कर्म, इन सब का पाठ पढ़ाती है। लेकिन ये देवी भागवत कथा हम सुन रहे हैं, ये हमें क्या सिखाती है? तो आइए भक्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ये कथा हमें क्या सिखाने आई है तो ध्यान से सुनिएगा इस कथा की महिमा को। आइए मिलकर श्रवण करते हैं इस पावन पुनीत कथा की महिमा को और जानते हैं ये कथा हमें क्या सिखाने आई है, क्या प्रदान करने आई है। चैतन्य संचार करे, भव सिंधु से सबका उद्धार करे। देवी, ये देवी कथा मनुष्य को दिशा सर्वश्रेष्ठ दे जाए। यही गाथा उत्थान की है जो आत्मबोध करवाए। ये देवी कथा मनुष्य को दिशा सर्वश्रेष्ठ दे जाए। यही गाथा उत्थान की है जो आत्मबोध करवाए। देवी 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 करुणा का स्पंदन, प्रेम, दया और ममता का संगम। देवी, यही गाथा उत्थान की है जो आत्मा दानव से मानव, मानव से ब्रह्म का विस्तार है। सद्गुण का वर्धन मानव की प्रगति का आधार है। चैतन्य संचार करे, भव सिंधु से सबका उद्धार करे। देवी ये देवी कथा मनुज को दिशा सर्वश्रेष्ठ दे जाए। यही गाथा उत्थान की है जो आत्मबोध करवाए। ये देवी कथा मनुज को दिशा सर्वश्रेष्ठ दे जाए। यही गाथा उत्थान की है जो आत्मबोध करवाए। देवी 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 की ये दिव्य कथा मानव के चोटिल मन पर लगने वाला मलहम है। ये कथा उसके अकेलेपन में दिव्य मातृ संग है। ये कथा और उसके अशक्त जीवन को सशक्त करने का दिव्य माध्यम है। ये कथा मानव को आत्मबोध करवाने आई है, उसे उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता बनाने आई है, उसे उसकी दुर्बलताओं से उठाकर नवीनता प्रदान करने आई है। ये कथा भक्तों जानते हैं, वेदव्यास जी ने इस गाथा को विजय गाथा कहा क्योंकि ये मानव को उसके जीवन की विजय श्री प्रदान करने आई है। हम सब चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना, परंतु अगर वास्तविक सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, सच में इस जीवन रण के विजयी योद्धा बनना चाहते हैं, तो फिर इस कथा को ध्यान से श्रवण करिएगा। हमारी हर एक दुर्बलता का उत्तर प्रदान करेगी हमें ये कथा। हमें हमारे जीवन की हर दुविधा से उबारने का सामर्थ्य है इस कथा में। भक्तों बढ़ते हैं कथा प्रसंग की ओर। बात उस समय की है जब युग संधि की बेला का आगमन हो रहा था। यह वो समय था जब द्वापर युग अपने कलेवर समेट रहा था और कलयुग के आने की पूर्ण प्रचंड आंधियां प्रारंभ हो चुकी थी। कलयुग अपने दल बल से विस्तार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चुका था। उस समय शौनक आदि ऋषि व ध्यान की अवस्था में निमग्न थे। एकाएक शौनक आदि ऋषियों को एक पूर्वाभास हुआ। उन्होंने देखा, उन्हें आभास हुआ कि आगामी जो समय है वो बहुत प्रचंड होगा। काली माँ कहीं बाहर नहीं, मानव के अस्तित्व में विस्तृत हो जाएगी और कली काल की उस पदचाप को सुन वह अत्यंत भयभीत हो गए। आज शौनक आदि ऋषि आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, इस आगामी कली काल से हमारा रक्षण कैसे होगा, हम किस प्रकार इस प्रचंड कालिमा में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएंगे। जब यही प्रश्न वह बार बार एक दूसरे से पूछ रहे थे, तब शौनक ऋषि ने कहा, चलिए ऋषिगण, बढ़ते हैं पितामह ब्रह्मा जी से इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। शौनक आदि ऋषि आज ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर त्राहिमाम त्राहिमाम का स्वर छेड़ दिया, रक्षति प्रभु रक्षति। ब्रह्मदेव ने नेत्र खोले, शौनक आदि ऋषियों को समक्ष देखा तो पूछने लगे, किससे रक्षा करूं आपकी? पितामह, आज हम सभी उस कली काल से भयभीत होकर आपके समक्ष आए हैं। वो कली काल तो बहुत प्रचंड होगा। उसकी तो पदचाप सुनकर ही हमारी अंतर आत्मा काँप रही है। आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, आप ही हमें बताइए कि उस कली काल से हमारी रक्षा कैसे होगी। आज जैसे ही पितामह ब्रह्मा ने यह सुना, गंभीर हो गए। कुछ क्षण सोचने के पश्चात आज ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र प्रकट किया और कहा, शौनक आदि ऋषियों, ये मनोमय चक्र जहाँ कहीं भी जाए इसके पीछे जाना, और जिस स्थान पर जाकर इसकी नेमी क्षीण हो जाए वहीं पर स्थित हो जाना। उसी स्थल पर आपकी कलिकाल के समस्त प्रभावों से रक्षा होगी। और जब तक नवीन युग नहीं आता, वो सतयुग नहीं आता, तब तक आप वहीं सुरक्षित रहिएगा। आज जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने यह सुना, ब्रह्मदेव से वो मनोमय चक्र प्राप्त किया और उनकी आज्ञा के अनुसार उस मनोमय चक्र के पीछे ही जाने लगे। वो मनोमय चक्र उन्हें विभिन्न दिशाओं में लेकर गया, परंतु एक स्थल पर आकर उस मनोमय चक्र की नेमी जो थी वो क्षीण हो गई। वो मनोमय चक्र वहीं रुक गया और वहीं पर वो सारे ऋषि, शौनक आदि ऋषि स्थित हो गए और उस स्थल का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि जप, तप, होम इत्यादि ध्यान साधना करते हुए स्थित हैं। रोज की दिनचर्या नियम से चल रही है। तभी एक दिन उस नैमिषारण्य में आगमन होता है महाभाग सूत जी का। आज जैसे ही शौनक आदि ऋषियों को सूचना मिली कि सूत जी हमारे क्षेत्र में आए हैं, अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनका आतिथ्य सत्कार किया और अब शौनक आदि ऋषि सूत जी के श्री चरणों में बैठे हैं। शौनक ऋषि कहते हैं, सूत जी, आज मैं समझ गया क्यों ब्रह्मदेव ने कहा था कि आपका नैमिषारण्य में ही कलिकाल से रक्षण होगा, क्योंकि जहाँ पर आप जैसे तत्ववेता संत हों, जहाँ पर आप जैसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाए, वहाँ पर फिर कोई कलिकाल किस प्रकार हमें सता सकता है। हे सूत जी, आज हम आपकी शरणागत हैं। हे महाभाग, आप हमारे जीवन का कल्याण करें, अपने उस ज्ञान से हमारे जीवन को कृतार्थ करें। भक्तों, ये जिस गाथा को हम श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का ये प्रथम चरण, इसके ऊपर ही कुछ थोड़ा सा विचार करते हैं। शौनक आदि ऋषि भयभीत किससे थे? कली काल से। और हम किस काल में जीवन यापन कर रहे हैं? कली काल में। वो शौनक आदि ऋषि भयभीत थे कली काल के आगमन से, और हम कली काल की प्रचंडता में जीवन यापन कर रहे हैं। हमें भी तो असंख्य प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ हैं, असंख्य प्रकार के भय सताते हैं। ये अलग बात है कि हमने इसे ही अपना जीवन समझ लिया है। हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं अपने आप को फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज सिक्योर करने की, परंतु बार बार फेल होते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं। और गत वर्षों का ये जो कोविड महामारी का समय रहा है, इसने तो हमारे जीवन को इतना अनसर्टन बना दिया है कि हर समय चिंता और एंग्जाइटी है। ऐसे में क्या हमें नहीं जाननी कि वो युक्ति कौन सी है जिससे हम भी इस कलिकाल के प्रभाव से सुरक्षित रह सकते हैं? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई युक्ति होगी, लेकिन ये ग्रंथ अपने प्रारंभ में ही हमें बता रहा है कि ऐसी एक युक्ति है, ऐसा एक स्थल है जहाँ पर आप उस कली काल के प्रभाव से बच सकते हो। क्योंकि कोई भी काल है, वो किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को प्रदान करता है, वो किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है। एक काल की अभिव्यक्ति होती है मानव की मनोदशा में, और जैसे जैसे मानव की मनोदशा बिगड़ती जाती है, वो काल प्रचंड होता जाता है। जब मानव की सोच उच्च होती है तो समय सतयुग का था। जब मानव की सोच निकृष्ट होती गई, उसके भीतर विकार पनपने लगे, तो कलिकाल का आगमन हुआ। कलिकाल का प्रभाव मानव की सोच पर पड़ा, उसके चिंतन पर पड़ा, और उसके भीतर जब विकार पनपने लगे तो कलिकाल प्रचंड अति प्रचंड होता गया। और आज हम समाज में जानते हैं कि हमारी सोच, हमारे समाज की हालत कैसी है। कलिकाल अपनी प्रचंडता पर है। और केवल मात्र ब्रह्मा जी ने वो मनोमय चक्र, जो युक्ति का प्रथम चरण है, वो मनोमय चक्र केवल उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को नहीं दिया। वो क्या है वो मनोमय चक्र? वो मनोमय चक्र अर्थात मन और उसके साथ अटी हुई सारी इंद्रियां, जो चक्र के मानंद घूमती रहती हैं, और इंसान उस मन के पीछे लगकर अपनी इंद्रियों के घोड़ों के साथ चारों दिशाओं में दौड़ता रहता है। जब तक ये मन दौड़ता रहता है, जब तक वो विकारों से ग्रस्त मन इंसान को दौड़ाता है, वो शांत कैसे हो सकता है? वो अशांत रहता है, वो दुखी रहता है, वो दुर्बल पड़ता है, क्योंकि वो चाह कर भी अपनी गति को रोक नहीं पाता। परंतु एक स्थान ऐसा है जहां पर वो मनोमय चक्र जाकर क्षीण हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्षीण शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी ने उन शौनक आदि ऋषियों को ये नहीं कहा कि ये मन जाकर जहाँ जाकर रुके वहाँ रुक जाना। उन्होंने कहा जहाँ मनोमय चक्र की नेमी अर्थात मन जाकर क्षीण हो जाए वहाँ रुकना। क्यों? क्योंकि मन तो बहुत जगह रुक जाता है। आप 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तो रुकता है, कुछ क्षणों के लिए रुक जाता है। वो 3 घंटे वो वहीं रहता है। आप कहीं घूमने चली जाइए, बहुत मज़ा आ रहा है, वो मन थोड़ी देर वहाँ रुकेगा। आपको आपकी मनपसंद वस्तु मिल जाए, वो मन वहाँ रुकेगा। परंतु जैसे ही वो कार्य खत्म होगा, मन फिर दौड़ने लगेगा। इसलिए रुकना, कुछ क्षणों के लिए रुकना, वो युक्ति का भाग नहीं है, वो युक्ति नहीं है। जब ये मन क्षीण ही हो जाए, जिसके बाद ये दौड़ना ही बंद कर दे, उस स्थान पर जब ये पहुंच जाए, तब वास्तव में हमारी रक्षा हो सकती है। अब वो स्थान कौन सा है? नैमिषारण्य उसका नाम है। क्या नैमिषारण्य वो जो उत्तर प्रदेश में सीतापुर ज़िले में स्थित हमारा एक महान तीर्थ है, क्या उस नैमिषारण्य की बात हो रही है? वो नैमिषारण्य तो एक क्षेत्र में बंधा हुआ है। और अगर प्रैक्टिकली देखें, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, इस कलिकाल की प्रचंडता से वो बच जाए। तो वो नैमिषारण्य का छोटा सा क्षेत्र, क्या प्रैक्टिकली हम सबको वहाँ पर स्थान दे सकता है? निसंदेह वो स्थान श्रेष्ठ है, उच्च है, सेक्रेड है, पूजनीय है, क्योंकि वहाँ पर प्राचीन काल में ऋषि मनीषियों ने एकत्रित होकर ध्यान साधना की, उस ज्ञान पर चर्चा की, इसीलिए वो एक तीर्थ स्थल बना। और हमारे शास्त्रों में 3 तीर्थों का वर्णन आता है। वो 3 तीर्थ ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि वास्तव में वो कौन सा स्थल है, वो कौन सा नैमिषारण्य है जहाँ पर हम सब अपना अपना स्थान बना सकते हैं, स्थित रह सकते हैं। वो 3 तीर्थ कौन से हैं? हमारे शास्त्रों में स्थावर, जंगम और आत्म तीर्थ, ये 3 तीर्थों की बात की। स्थावर तीर्थ कौन से हैं? जैसे काशी, जैसे नैमिषारण्य, जैसे हमारे अलग अलग तीर्थ स्थल जहाँ पर हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, ये सारे स्थल जो हैं ये स्थावर तीर्थ हैं। एक स्थान है जहाँ पर पूर्व काल में बहुत से ऋषि मनीषियों ने साधना की, तपस्या की, और ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेटाइज्ड प्लेसेस हैं। इन मैग्नेटाइज्ड प्लेसेस में जब हम जाते हैं तो हमारे मन को एक अलग प्रकार की शांति का आभास होता है, वो स्थिर होता है और वो श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम उन स्थानों से आते हैं, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में वापस आ जाते हैं, तो वो शांति धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने दूसरे तीर्थों की बात की, और वो कौन से तीर्थ हैं? जंगम तीर्थ, जो चलते फिरते तीर्थ हैं। और वो तीर्थ कौन से हैं? वह हैं हमारे तत्ववेता संत महापुरुष। वो संत महापुरुष जैसे महाभाग सूत जी का सानिध्य मिला शौनक आदि ऋषियों को, वो एक ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता संत हैं। उनका सानिध्य प्राप्त कर हम अपने जीवन के उत्कर्ष उस वास्तविक नैमिषारण्य, उस वास्तविक तीर्थ का मार्ग प्राप्त करते हैं, उसकी युक्ति प्राप्त करते हैं, उस आत्म तीर्थ जो तीसरा तीर्थ बताया गया उसके बारे में जानते हैं। वो तीसरा तीर्थ है आत्म तीर्थ। वो संत महापुरुष हमें बताते हैं कि उस आत्म तीर्थ अर्थात जो हमारे भीतर स्थित है उस तीर्थ स्थल पर कैसे पहुँचें। और नैमिषारण्य अगर इस शब्द का इटमोलॉजिकल मीनिंग अगर आप देखें तो इसका एक अर्थ मिलता है अबोर्ड ऑफ गॉड, वो स्थान जहाँ पर परमात्मा शाश्वत रूप से स्थित हैं। तो ये वास्तविक नैमिषारण्य हमारे शास्त्र ग्रंथों के आधार पर एक आत्म तीर्थ की ओर संकेत है। और वो आत्म तीर्थ वो स्थल जहाँ पर ईश्वर सदैव स्थित रहते हैं, वो भगवती सदैव स्थित रहती है, वो स्थल है हमारी भ्रिकुटी के मध्य का यह स्थल। भ्रिकुटी के मध्य का यह स्थान इसे कहा गया वो नैमिषारण्य जहाँ पर मन पहुँचता है जब, तो वो पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाता है, वो स्थिरता को प्राप्त करता है, उसका भटकाव खत्म होता है। और जब इंसान के पास यहाँ स्थित होने की युक्ति आ जाए तो वो बड़े से बड़े झंझावात में भी स्थिर रह सकता है, वो बड़े से बड़ी दुविधा में भी सरल और सहज रह सकता है, उसके लिए काल का कोई भी प्रभाव मायने नहीं रखता। इसी आत्मतीर्थ की यात्रा की हमारे संतों महापुरुषों ने, इसीलिए वो कैसे भी परिस्थिति होती थी वो उसमें स्थिर रह पाते थे। और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं एक ऐसे ही तत्ववेता पूर्ण सद्गुरु, दिव्य सद्गुरु, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर, वह जो इस आत्म तीर्थ पर पहुंचने की युक्ति हमें प्रदान करने आए हैं, वह हमें इस वास्तविक नैमिषारण्य में स्थित होने की युक्ति प्रदान करने आए हैं। इस कथा को हम उनके सानिध्य में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। और जब हम ये जानेंगे कि यहाँ हम कैसे स्थित हो सकते हैं तो हमारा जीवन भी विजय गाथा बन जाएगी। इसलिए भक्तों, ध्यान से इस कथा को हमने श्रवण करना है ताकि हम भी उस युक्ति को प्राप्त कर सकें और श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकें। आज जब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के समक्ष बैठकर ये प्रार्थना की कि आप हमारे जीवन का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करें, तो उस समय सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों बताओ आज मैं आपको कौन सी गाथा श्रवण करवाऊं? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाभाग, यूँ तो हमने आपके मुखारबिंद बहुत सी गाथाएं पूर्व काल में श्रवण की है। आपने हमें भगवान विष्णु के अवतारों की गाथा श्रवण करवाई, आपने हमें भगवान शिव के दिव्य स्वरूप की गाथा श्रवण करवाई है, लेकिन आज हमारा मन भय से आकुल व्याकुल है। एक ऐसी गाथा श्रवण करवाइए जो हमारे हृदय में प्रेम का प्रवाह कर दे, हमारे हृदय को शांत कर दे, ऐसी दिव्य गाथा आप हमें श्रवण करवाइए। उस समय सूत जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आपको एक ऐसी गाथा श्रवण करवाऊंगा जो अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। वो गाथा है जगत जननी परा अम्बा की। मैंने स्वयं इस गाथा को वेदव्यास जी के मुखारविंद श्रवण किया था और आज परा अम्बा की ही उस दिव्य गाथा को मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। पूर्व काल में इसी गाथा को श्रवण किया था राजा जन्मेजय ने वेदव्यास जी के मुखारविंद। जब राजा जन्मेजय भी व्यथित हो गए अपने पिता की मृत्यु के तथ्य को जानकर, उनका हृदय व्यथित हुआ, अपने पिता की परम गति की चिंता उन्हें सताने लगी, तो उस समय वो वेदव्यास जी की शरण में पहुँचे और उनसे जाकर आग्रह करने लगे कि आप मेरे इस अशांत मन को शांत करने का कोई प्रबंध कीजिए। तब वेदव्यास जी ने उन्हें ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण की गाथा श्रवण करवाई थी। इसी गाथा को नारद मुनि जी ने मुनि श्रेष्ठ नारायण के मुख से सुना था और अपनी भक्ति को प्रगाढ़ किया था। इसी गाथा को सुमेधा ऋषि से सुरत और समाधि ने श्रवण किया था। दोनों ही अपने निजी जीवन से व्यथित थे और जब इस गाथा को श्रवण किया तो माँ की अनुपम कृपा को प्राप्त किया। आज भक्तों, हम भी इस गाथा को श्रवण करने जा रहे हैं जो इस अंधकार में सूर्य के प्रकाश के समान है और जो हमारे जीवन के अंधकार से हमें मुक्ति प्रदान करने आई है। और इस गाथा को हम श्रवण जो कर रहे हैं, इस गाथा में इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मील पत्थर का कार्य करेंगे वो प्रश्न जो सूत जी से शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं और जो राजा जन्मेजय ने किए थे वेदव्यास जी से। हम एक एक प्रश्न को उठाएंगे और जानेंगे उनके उत्तर स्वरूप वेदव्यास जी ने कौन सी गाथाओं को श्रवण करवाया। आइए बढ़ते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर और जानते हैं वो कौन सी जिज्ञासा है जो सूत जी के समक्ष शौनक आदि ऋषियों ने रखी और जो राजा जन्मेजय ने रखी थी वेदव्यास जी के समक्ष। भगवन् भवता प्रोक्तम् यज्ञमम्बाभिधं महत्। भगवन् भवता प्रोक्तम् यज्ञमम्बाभिधं महत्। साका कथं समुत्पन्ना। साका कथं समुत्पन्ना। पुत्र कस्माच्च किं गुणा। जय जय मां, 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 जय जय मां। ब्रह्माण्डस्य तथोत्पत्तिं वद तस्तथा यथोक्तं यादृशं ब्रह्मन् अखिलं वेदसि भुसुर। जय जय मां, 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 जय जय मां। आज राजा जन्मेजय बैठे हैं वेदव्यास जी के श्री चरणों में और सूत जी के समक्ष बैठे हैं शौनक आदि ऋषि। राजा जन्मेजय प्रश्न करते हैं वेदव्यास जी से, हे महाभाग, मैं अत्यंत व्यथित हूँ। अपने पिता की मृत्यु के कारण उनकी सद्गति हुई या नहीं हुई इसे सोचकर मेरा मन व्यथित होता जा रहा है और आपने जिन परा अम्बा के बारे में मुझे बताया है मैं जानना चाहता हूँ वास्तव में वो परा अम्बा कौन हैं। उन्होंने किस प्रकार इस धरा पर आकर विविध लीलाओं को किया और इस समूचे ब्रह्मांड, इसका रहस्य क्या है? कौन है इस ब्रह्मांड का आधारभूत? किस प्रकार हुई इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति? राजा जन्मेजय व्यथित है और वेदव्यास जी से ब्रह्मांड के संदर्भ में पूछ रहे हैं। ये उनकी कोई वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं थी। जब एक इंसान व्यथित होता है तो उसके मन में एक प्रश्न अपने आप ही उठ जाता है, आखिर क्यों बनाया ये जहान, क्यों बनाई ये सृष्टि, कौन है, कोई है भी जो इसका नियंता है या नहीं। बस ऐसी ही मानसिकता से वेदव्यास जी के समक्ष राजा जन्मेजय ने ये प्रश्न किया। लेकिन जिनके समक्ष प्रश्न किया है भक्तों, वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक महान मनोवैज्ञानिक थे उस काल के, एक सोशल साइंटिस्ट जो मानव की मनोदशा को पूर्ण रूपेण समझते थे, एक अध्यात्मविद तत्ववेता संत थे वो। इसीलिए जब उनके समक्ष राजा जन्मेजय ने ये प्रश्न किया तो उन्होंने कोई ऊपरी ऊपरी बातें उनके समक्ष नहीं रखी, रूट कॉज पर प्रहार किया, जड़ पर प्रहार किया और आज संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य, उस ब्रह्मांड की गाथा, उस आदिशक्ति जगत जननी के वास्तविक स्वरूप की गाथा वो रख रहे हैं वेदव्यास जी जन्मेजय के समक्ष। वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, ये जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है ये बहुत कठिन और जटिल प्रश्न है, परंतु ये एक अति उत्तम प्रश्न है। इसी प्रश्न को मैंने भी पूर्व काल में नारद मुनि जी से पूछा था, मेरे मन में भी आया, आखिर इस सृष्टि का आधारभूता कौन है, इस सृष्टि का नियंता कौन है। बस इसी प्रश्न को लेकर, इस दुविधा को लेकर मैं पहुंच गया नारद मुनि जी के पास। और मैंने नारद मुनि जी से जाकर जब ये प्रश्न किया तो नारद मुनि जी कहने लगे, वेदव्यास जी ये कैसा कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं आप। जानते हैं पूर्व काल में यही जिज्ञासा मेरी भी थी और इसी प्रश्न को लेकर मैं अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास गया। और जब मैंने उनके समक्ष ये प्रश्न रखा तो पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे कहा, नारद ये जिज्ञासा जो तुम आज कर रहे हो, इस ब्रह्मांड का रहस्य जो तुम जानना चाहते हो, यही जिज्ञासा तो प्रलय काल में जब सृष्टि का प्रारंभ ही हुआ था उस समय मेरी, भगवान विष्णु और भगवान महादेव की भी थी। उस समय जिस प्रकार हमें इस अपनी दुविधा का समाधान मिला था, नारद आज मैं तुम्हें वही घटना, वो संपूर्ण घटनाक्रम सुनाता हूँ। नारद मुनि जी ने जो गाथा सुनी थी ब्रह्मा जी से, वही गाथा वो सुनाते हैं वेदव्यास जी को और वही गाथा आज वेदव्यास जी श्रवण करवा रहे हैं जन्मेजय को। यूँ ये प्रश्न कि आखिर इस सृष्टि का आधार क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई, ये प्रश्न एक शाश्वत प्रश्न रहा है मानव की जिज्ञासा का। और उस समय वेदव्यास जी कहते हैं कि मुझे नारद मुनि जी ने बताया कि एक समय की बात है जब चारों ओर जल ही जल था, सृष्टि प्रलय की अवस्था में थी। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठकर साधना में निमग्न थे और कई कई वर्षों तक साधना करने के पश्चात एकाएक उनके मन में एक विचार आया, आखिर मैं यहाँ इस स्थल पर, इस कमल पर कैसे विराजमान हो गया, ये कमल किस स्थान पर, किस धरा पर टिका हुआ है, इसका आधार क्या है, ये जल राशि किस पर आधारित है, किस पर स्थित है। आज उन्होंने अपने नेत्र खोले और वह इधर उधर इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भटकने लगे, इधर उधर घूम रहे हैं, परंतु दूर दूर तक जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा है। जब अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, कोई मार्ग नहीं दिखा, तो ब्रह्मा जी वापस आकर अपने कमल के आसन पर बैठ गए, एक बार पुनः ध्यान में निमग्न हो गए। नारद मुनि जी कहते हैं, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था उस समय कि जब मैं उस समय उस ध्यान की अवस्था में निमग्न था तो कई वर्षों बाद एकाएक मुझे एक स्वर सुनाई दिया। उस स्वर में मुझे कहा, सृष्टि करो। जैसे ही मैंने ये स्वर सुना, सृष्टि करो, मैं एकदम से नेत्र खोलकर इधर उधर देखने लगा, कहीं पर भी मुझे कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, किसकी सृष्टि करूं, कौन सी सृष्टि करूं। अब मैंने सोचा कि मैं अवश्य ही ये कमल कहाँ से प्रकट हो रहा है उस स्थान को खोज कर रहूँगा। तो मैंने निर्णय किया और मैं कमल के डंठल के साथ नीचे उतरने लगा। नीचे आते आते एक स्थान पर पहुँचा और मैंने देखा वहाँ पर एक विशाल सागर में शेषनाग की शैया पर एक दिव्य पुरुष पीताम्बर धारण किया हुआ है, उनके हाथ में चक्र है, वो वहाँ पर शयन कर रहे हैं। अभी मैं आगे बढ़कर उन्हें कुछ कहता ही, तभी उन्होंने अपने नेत्र खोले और मुझसे ही प्रश्न कर लिया कि आखिर हम यहाँ पर कैसे प्रकट हो गए। आज हम दोनों इसी प्रश्न पर विचार कर ही रहे थे कि एकाएक वहाँ पर एक और देव पुरुष आ गए और वह चलते हुए वहाँ आ रहे थे, हाथ में त्रिशूल धारण किया था। आज वह भी इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे, आखिर इस सृष्टि का आधार क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न हुई है। जब वह भी हमें उस प्रलय सागर में मिले तो आज हम तीनों अभी इस प्रश्न पर विचार ही कर रहे थे कि एकाएक हमारे समक्ष आकाश मंडल पर एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। उस विशाल प्रकाश पुंज को देखकर हम एक तक उसकी ओर निहारने लगे। हम देखते चले जा रहे हैं और देखते ही देखते उसमें से एक दिव्य आकृति वाली देवी प्रकट हो गई। उनके चेहरे पर स्मित हास्य था, चेहरे पर अत्यंत सौम्य भाव थे और आज उन्होंने लाल श्री विग्रह को धारण किया हुआ था। और वह देवी जैसे ही हमारे समक्ष प्रकट हुई, हमने दोनों हाथ जोड़ लिए। बरबस ही उनके समक्ष हमारे हाथ जुड़ गए और वह देवी कहती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आज आप तीनों की समस्त दुविधाओं का उत्तर देने के लिए मैं आपके समक्ष प्रकट हुई हूँ। आपके ये सारे प्रश्न जो आपके मन में हैं, उन सब का उत्तर दूंगी। आप सब सच हो जाइए। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी ओर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये कौन है। आज महादेवी कहती हैं, मैं आप सबको आज एक दिव्य विमान यात्रा पर लेकर जाऊंगी, एक ऐसी विमान यात्रा जहां पर आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तब आप अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाना। ब्रह्मा जी, आपने इस सृष्टि की संरचना करनी है, भगवान विष्णु, आपने इस सृष्टि का पालन करना है और महादेव, आपने इस सृष्टि का संहार कार्य संभालना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सोच रहे हैं कौन सी सृष्टि, कैसा पालन, किसका संहार। तभी माँ वहाँ पर एक दिव्य विमान को बुला लेती हैं। ये एक अत्यंत सुंदर विमान है, ऐसा विमान जो आज तक कभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने नहीं देखा। मन की गति से भी तीव्रता से चलने वाला ये दिव्य विमान है, असंख्य रत्नों से जड़ित है। आज जैसे ही उस विमान को अपने समक्ष देखते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश माँ की ओर हाथ जोड़कर देख रहे हैं और माँ कहती हैं, आप तीनों इस विमान पर आरूढ़ हो जाइए। आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्रुत गति से आगे बढ़ते हैं और उस विमान पर आरूढ़ होते हैं और वो विमान, माँ उसे अगले ही क्षण आदेश देती है और वो विमान तेजी से उड़ना प्रारंभ कर देता है। वो विमान उड़ता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है और आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब उस विमान से नीचे की ओर देखते हैं तो वो देखते हैं अद्भुत सृष्टि को अपने समक्ष। वहाँ पर असंख्य वन प्रदेश है, दिव्य लोक है, असंख्य पशु पक्षी उनको अपने समक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। आज तक तो उन्होंने सिर्फ जल ही जल देखा था, परंतु एकाएक वो दिव्य सृष्टि उन्हें दृष्टिगोचर हो रही है। तभी माँ उस विमान को लेकर जाती हैं और एक दिव्य भवन के समक्ष रोक देती हैं। अब इशारा करती हैं ब्रह्मा जी को कि जरा झांक करके तो देखिए कि उस भवन में क्या है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आगे बढ़कर जब झांक करके देखते हैं तो उस भवन में दृश्य देखकर आज ब्रह्मा जी अवाक रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं उन्हीं के समान एक कमल के आसन पर बैठे हुए, वेद ज्ञान को बांचते हुए ब्रह्मा जी वहाँ पर स्थित है। उनके आसपास बहुत से ऋषि मनीषी खड़े हैं और वह वेद ज्ञान उन्हें प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही ये दृश्य देखा, मन में प्रश्न उठा, अरे अगर मैं वो वहाँ हूँ तो ये कौन है, मैं कौन हूँ और वो कौन है। आज एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। अभी तो सृष्टि का रहस्य जानने के लिए आगे बढ़े थे, पर माँ ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया, मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी प्रश्नवाचक दृष्टि से उन महादेवी के समक्ष देखते हैं, परंतु महादेवी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अवाक हैं, हैरान हैं और माँ अपने विमान को आगे उड़ने का आदेश दे देती हैं। वो विमान फिर द्रुत गति से उड़ने लगता है, चलता चला जा रहा है और चलते चलते अब माँ उसे एक और स्थल, एक विशाल सागर के समक्ष जाकर रोक देती हैं और अब उस दृश्य को देखकर आवाक रह जाते हैं भगवान विष्णु, क्योंकि वो सागर कोई और नहीं, वो क्षीर सागर था और उस सागर में शेषनाग की शैया पर उन्हीं के आकार वाले, उन्हीं के रूप को धारण किए हुए एक देव पुरुष बैठे थे और वहाँ पर उनके आसपास बहुत से अन्य देव भी स्थित थे। जैसे ही उन्होंने अपने आप को वहाँ पर भी देखा तो उनके मन में भी प्रश्न खड़ा हो गया, मैं कौन हूँ और ये कौन है। बस प्रश्नवाचक दृष्टि से माँ की ओर देख रहे हैं और तभी माँ मुस्कुराते हुए उस विमान को आगे बढ़ने का आदेश दे देती हैं। विमान फिर द्रुत गति से उड़ता चला जा रहा है, असंख्य वन प्रदेशों को पार करता हुआ, असंख्य पर्वत श्रृंखलाओं को पार करता हुआ। आज माँ उसे एक विशाल पर्वत श्रृंखला के समक्ष जाकर रोक देती हैं। जानते हैं भक्तों, ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अब किसके आवाक रहने की, हैरान होने की बारी है? भगवान महादेव के। अब माँ ने उस विमान को कैलाश पर्वत के समक्ष रोक दिया है और वहाँ आज महादेव जैसे उस दृश्य को देखते हैं तो वह अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि आज शिला के आसन पर उन्हीं की आकृति वाले एक देव पुरुष साधना की अवस्था में निमग्न हैं। तीनों के मन में एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है। अब मैं कौन हूँ और वह कौन है? ये क्या है? ये क्या रहस्य है? आज इस प्रश्न को लेकर जब वो माँ की ओर बढ़ते हैं तो माँ अपनी लीला का विस्तार करती हैं और माँ उस विमान से ही अंतर्धान हो जाती हैं। वो विमान द्रुत गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है और आज एक सुंदर से द्वीप के समक्ष जाकर वो विमान रुक जाता है। वह तीनों देव उस विमान से नीचे उतरते हैं और ढूंढ रहे हैं, अरे वह महादेवी जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने आई थी वो कहाँ चली गई? अब हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? तीनों इधर उधर महादेवी को ढूंढ रहे हैं। भक्तों, जब तक माँ को वो ढूंढ रहे हैं तब तक हम भी इस कथा के रहस्य को, इस कथा के मर्म को थोड़ा सा टटोल लेते हैं। भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया कैसे? उन्होंने एक प्रश्न के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया था। वो सृष्टि के आधार को जानना चाहते थे, वो इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते थे। यही प्रश्न वेदव्यास जी ने भी किया था नारद जी से और जन्मेजय ने भी किया वेदव्यास जी से। ये एक ऐसी सनातन जिज्ञासा है जो मानव के मन में बार बार उठती है। लेकिन महादेवी ने क्या किया? वो उन्हें यात्रा पर लेकर गई ये कहकर कि मैं आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी, और माँ ने आज उनके समक्ष एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया, मैं कौन हूँ? वो समाज का, वो ब्रह्मांड का रहस्य जानना चाहते थे। माँ ने उनके समक्ष ये प्रश्न खड़ा कर दिया, ये जानो पहले कि मैं कौन हूँ। यही हालत तो हमारी भी है ना भक्तों, हम भी इस ब्रह्मांड के समूचे रहस्य को जानना चाहते हैं। हमारा विज्ञान, उसकी तो प्रगति ही इस प्रश्न पर आधारित है। उसने तो पहला प्रश्न ही यह किया था कि इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस यूनिवर्स? और इस प्रश्न को लेकर ही उसने प्रगति की। पहले वो मानता था कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये सृष्टि जो है, जो दिखने वाला पदार्थ है वही इसका सत्य है, ऑल दिस वर्ल्ड इज मैटर। परंतु शोध करता गया तो उसने अणुओं की, परमाणुओं की, और आज तो अणुओं, परमाणुओं और समस्त पदार्थों की तह में छुपी ऊर्जा की खोज कर डाली है। आज विज्ञान कहता है इस संपूर्ण ब्रह्मांड की तह में जो छुपा है वो एक ऊर्जा है, मात्र एक ऊर्जा का स्पंदन, जिससे ये विविध प्रकार के दृश्य, ये विविध प्रकार के पदार्थों ने आकार लिया है। लेकिन इसके बाद इससे क्या होगा, इससे करना क्या है, उसे नहीं पता। मानव को ईश्वर ने एक विशेष शक्ति प्रदान की, चिंतन की शक्ति, प्रश्न करने की ये शक्ति। परंतु ये प्रश्न करने की शक्ति केवल संसार के दृश्यों का अवलोकन करने के लिए नहीं दी थी। सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि न्यूटन ने देखा कि सेब वृक्ष से गिर रहा है और उसको देखकर उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। इसकी सराहना हमारे पूरे समाज ने की और अवश्य ही ये सराहना के काबिल है। परंतु ये क्या मानव की चिंतन शक्ति का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है? महाराज श्री कहते हैं, अगर न्यूटन ने उस समय यह प्रश्न किया होता कि वो कौन सी शक्ति है जिससे ये वृक्ष के तने के साथ लगा हुआ था, अगर वो ये प्रश्न करता तो वो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च ज्ञान को ढूंढ लेता, वो ज्ञान जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देता। मानव को ये चिंतन की शक्ति, ये प्रश्न करने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान की ताकि वो प्रश्न कर सके कि मैं कौन हूँ, वो खोज सके अपने अस्तित्व को। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई प्रश्न है मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर तो हम सब जानते हैं। चलिए भक्तों, आज जरा खुद को ही टटोल कर देख लेते हैं। आज मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, बताइए आप कौन हैं, दीजिए अपना परिचय। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, दीजिए इस बात का उत्तर कि आप कौन हैं। आप कहेंगे मेरा नाम सुशीला है, मेरा नाम मंगेश है। आप अपना नाम बताएंगे ना? इसी बात का रट्टा तो हम अपने बच्चों को लगवाते हैं। जब आपसे पूछे कोई हु आर यू, तो आपने बोलना है माय नेम इज अंकित, माय नेम इज सुरभि। हम अपना नाम उनको कहते हैं बताने के लिए। परंतु भक्तों, एक बात बताइए, ज़रा खुद से पूछ करके देखिए कि अगर आपका नाम जो आज है वो ना होकर बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? क्या आपका परिचय, क्या आपका अस्तित्व बदल जाएगा? पूछ करके देखिए, नहीं बदलेगा ना। इसका मतलब क्या है? नाम हमारा है लेकिन नाम हमारी पहचान नहीं है। आप कहेंगे अच्छा रुकिए, हम बताते हैं हम कौन हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ। दूसरा क्या है हमारे पास? हम अपना प्रोफेशन बता देते हैं, परंतु डॉक्टर, इंजीनियर ये सब आपके प्रोफेशंस हैं। और अगर एक पल के लिए सोच लीजिए, डॉक्टर ना होकर आप क्लर्क होते, वर्किंग वुमन ना होकर आप हाउसवाइफ होते, इंजीनियर ना होकर आप कोई नेता होते, कोई मिनिस्टर होते, तो क्या आप बदल जाते? क्या आप बदल जाते? बताइए, आपका प्रोफेशन बदलता, आप नहीं बदलते। चलिए एक और प्रयास करके देखिए। मैं आपसे फिर पूछती हूँ, आप कौन हैं? आप कहेंगे ये 5 फुट 6 इंच का, ये 5 फुट 3 इंच का, ये जो देह है ना ये एक्सक्लूसिव है। शीशे में देखते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट लगता है, सबसे अलग है। परंतु एक और गहन विचार करके देखिए, जिस 5 फुट 6 इंच के शरीर को आप अपनी पहचान बताते हैं, क्या जब बचपन में आप छोटे से बालक थे, क्या 5 फुट 6 इंच का शरीर लेकर आपने जन्म लिया था? क्या आप ऐसे ही दिखते थे? क्या आज से 10, 12, 20 वर्षों बाद आप ऐसे ही दिखेंगे जैसे आप आज दिखते हैं? ये शरीर तो नित्य परिवर्तित हो रहा है, ये सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, रक्त का प्रवाह बदल जाता है, हमारे फीचर्स चेंज होते जाते हैं। नन्हे से शिशु से हम बड़े हो गए, बड़े से हम बूढ़े हो जाएंगे। ये देह तो बदलता जा रहा है, क्या ये देह हमारी पहचान है? पूछिए अपने आप से, नहीं है ना? नहीं मिल रहा ना इस प्रश्न का उत्तर? एक और कोशिश करते हैं, कौन है आप? विचार कीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही, हम विचार हैं। हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा मेंटल एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारा पर्सपेक्टिव, ये हमें यूनिक बनाता है। विचार हमारी पहचान है, ये मन हमारी पहचान है। परंतु भक्तों, ये माइंड, ये विचार, ये तो हर समय परिवर्तित होते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ लेंगे तो विचार बदल जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे तो विचार बदल जाएंगे। क्या ये विचार हमारी पहचान है? हमारा पर्सपेक्टिव, जब हम छोटे थे ये पर्सपेक्टिव नहीं था हमारा। कॉलेज गए, स्कूल गए, नॉलेज अर्जित की, ज्ञान अर्जित किया, तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता गया। इसलिए माइंड और इंटेलेक्ट की मशीनरी भी हमारी पहचान नहीं है। एक बात बताइए अब, फिर क्या है हमारी पहचान? चलिए एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, जब आप सोकर उठते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छी नींद आई मुझे, मैं बड़ी गहरी नींद में सोया। जरा सोच करके देखिए, आप तो सो रहे थे, फिर कौन कह रहा है कि मैं गहरी नींद में सोया? किसने देखा कि आप गहरी नींद में सो रहे थे? बताइए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी कोई आपके अंदर है जो आपको बताता है कि आप सो रहे थे। जब आप अपने टीवी देखने में बिजी होते हैं तब भी कोई है आपके अंदर जो ध्यान रखता है कि आपके रक्त का, आपका हार्ट जो है वो ठीक से पंप करे, आपकी आंखें समय पर ब्लिंक करे। कोई शक्ति है जो इस सब से परे है, जो आपके भीतर कार्य कर रही है। वो शक्ति कौन सी है? एक बात बताइए, आप सबके पास मोबाइल फोन्स होंगे, होंगे ना? अगर मैं आपसे आपका मोबाइल फ़ोन ले लूं और पूछूं कि ये मोबाइल फ़ोन किसका है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये मोबाइल फ़ोन मेरा है, कहेंगे ना? तो अगर मैं कहूं कि आप मोबाइल फ़ोन हैं, क्या ये सही है? क्या आप बात को मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। आप कहेंगे मैं मोबाइल फ़ोन नहीं, ये मोबाइल फ़ोन मेरा है। ठीक ऐसे ही ये नाम आपका है, आप ये नाम नहीं हो। ये देह आपकी है, आप ये देह मात्र नहीं हो। ये विचार आपका है, लेकिन आप विचार मात्र नहीं हो। आप सोते हो, लेकिन जो जगता है आपके भीतर, वो जो शक्ति है जो आपको बताती है, वो उसको जानना है। वो कोई है जो आपके भीतर है, वो आपका वास्तविक अस्तित्व है। सारी दुनिया का ज्ञान हमने अर्जित किया है, लेकिन हमें इतना ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसीलिए संत महापुरुष आकर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वो आते हैं और सबसे पहला प्रश्न मानव से यही करते हैं कि जागो और जानो कि तुम कौन हो। कबीरदास जी आए, 5 प्रश्न किए और पहला प्रश्न क्या था? तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, के कारण तुम भरमत डोलो, तंतज कहाँ बसेरा। पहला प्रश्न तुम हो कौन। आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, उन्होंने कहा कस्त्वम को हम कुता आयता, को में जननी को में ताता। ये प्रश्न करो कौन हो तुम, पूछो अपने आप से। सोक्रेटिस ने कहा नो दाई सेल्फ, बड़ी बड़ी पोथियां मत पढ़ो, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो। भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश जिस यात्रा पर निकले हैं ना, वो यात्रा हमें भी करनी होगी। उन्हीं का प्रश्न नहीं है ये कि मैं कौन हूं। अगर ब्रह्मांड का रहस्य जानना चाहते हैं तो पहली शर्त है सेल्फ अवेयरनेस ओनली लीड्स टू कॉस्मिक अवेयरनेस। हिज होलीनेस श्री आशुतोष महाराज जी सेज, उनका ये कथन है कि पहले स्वयं को जानना होगा, फिर ही ब्रह्मांड का रहस्य समझ आएगा। उस भगवान, उस ब्रह्मांड के नियंता के बारे में जानना चाहते हैं। रामतीर्थ जी के पास एक राजकुमार आया, उसने कहा कि मुझे उस ईश्वर, उस ब्रह्मांड के नियंता के बारे में जानना है। तो उन्होंने कहा बहुत आसान है, मैं मिलवा दूंगा, बस पहले एक छोटे से पेपर पर अपना विजिटिंग कार्ड बनाकर तो दो, अपना नाम लिखकर तो दो। किसी बड़े व्यक्ति से मिलना होता है तो आप अपनी पहचान लिखकर देते हैं ना उसे, ताकि वो आपसे मिल सके। लेकिन हमारे पास तो उस कार्ड पर लिखने के लिए अपना परिचय ही नहीं है, और इस परिचय के अभाव में ही हमारा समाज इतना विभत्स रूप ले चुका है। मानव व्यथित है, और व्यथित होकर अपनी अस्तित्व को भूलने के कारण वो भटक रहा है, और जो कार्य कर रहा है उसे ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। समस्त समस्याओं का जो निदान है वो उस एक उत्तर पर टिका है कि मैं कौन हूँ, और इस उत्तर को देने आई हैं माँ। वो हमें इस यात्रा पर लेकर चल रही हैं। आज जब इस यात्रा पर ब्रह्मा विष्णु महेश आगे बढ़े, उन्होंने जब उस स्थल पर खोजना प्रारंभ किया, तो आज भगवान विष्णु की नज़र पड़ी एक दिव्य पलंग पर। रत्नों से जड़ित वो दिव्य पलंग टिमटिमा रहा है। उस स्थल को देखकर वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। एकाएक उन्होंने पुकारा, ब्रह्मदेव, महादेव, शीघ्र आइए, देखिए उस स्थल पर मणियों के समान टिमटिमाता हुआ एक पलंग सा मुझे लग रहा है, चलिए उधर चलते हैं, मुझे यकीन है वहीं हमें वो महादेवी मिलेंगी। उस द्वीप पर आगे बढ़ते गए, चलते चले जा रहे हैं, और चलते चलते एक भवन के द्वार के समक्ष पहुँचे। उस भवन के द्वार से उन्हें वो टिमटिमाता हुआ पलंग दिख रहा है, और आज उस द्वार पर किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। वो तीनों देव उस भवन में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके उन्होंने अपने समक्ष एक दिव्य पलंग को देखा। रत्नों से जड़ित वो पलंग था, और उस पर स्वयं विराजमान थी जगत जननी जगदम्बिका। दिव्य रूप को धारण कर कर महादेवी वहां पर स्थित थी, और उन महादेवी का इतना सुंदर स्वरूप था, उस स्वरूप को देखकर वो तीनों मंत्रमुग्ध हो गए। और एक घटना और घटी, उन तीनों का वेश, उन तीनों का रूप उस भवन में पहुंचते ही नारी रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उस भवन में केवल और केवल मात्र नारियां थीं। कोई माता के केशों को संवार रही थी, कोई उन्हें चवर डुला रही थी, कोई उनका सुंदर सा पलना, उनका चंदन का पलना तैयार कर रही थी। और आज सारी देवियां मिलकर उस चंदन के पलने को तैयार कर देती हैं, और महादेवी को जब सारा सब देवियां मिलकर उनका श्रृंगार कर देती हैं, उनके पैरों में सुंदर सुंदर अलता लगा देती हैं, उनके केशों में सुंदर सुंदर पुष्पों से उसे सजा देती हैं, और उनके माथे पर टिमटिमाता हुआ वो तिलक जब उसे शोभित कर देती हैं, तो आज वो सभी देवियां हाथ जोड़कर माँ के समक्ष खड़ी हैं और आग्रह करती हैं, हे माँ, तुम आओ, इस चंदन के पलने पर आकर विराजमान हो जाओ। आज हम सब मिलकर आपको झूला झुलाएंगे, आपकी महिमा गाना चाहते हैं। अगले ही क्षण माता उस दिव्य पलंग से उठती हैं अत्यंत सुंदर लग रही हैं, लाल श्री विग्रह धारण किया है, प्रसन्न चित्त हो रही हैं और आज माँ मुस्कुराती हुई उस पलंग से उठकर उस चंदन के पल्ले पर विराजमान हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस दृश्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। सारे प्रश्न कई खो गए हैं, केवल और केवल मात्र हृदय में श्रद्धा के भाव हैं। महादेवी को देखते चले जा रहे हैं मानो उनका सौंदर्य उसे वह अपने नेत्रों में समेट ले। और आज वह सभी देवियां वहां पर सज्ज हो जाती है, अलग अलग वाद्य यंत्रों को वो उठा लेते हैं और सभी मिलकर आज माँ की महिमा गा रहे हैं, चंदन के पल्ले में माँ को झूला झुला रहे हैं। भक्तों, रेशम की डोरी है, चंदन का पल्ला है और उस चंदन के पल्ले पर स्वयं माँ आदि शक्ति विराजमान है। इससे सुंदर नज़ारा क्या होगा भक्तों, माँ के सानिध्य में बैठे हैं। चलिए हम भी चलते हैं उस मणि द्वीप धाम और माँ की उस दिव्य महिमा को हम भी गाते हैं, उसमें हम भी सम्मिलित होते हैं, माँ को अपने मनोभावों से झूला झुलाते हैं। के पलने में झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं। लोरी गागा के बोलो सोले माते सोले, प्रेम से पत्तों की मैं बेनी डोलाऊं। चंदन के पलने में झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं। लोरी गागा के बोलो सोले माते सोले, प्रेम से पत्तों की मैं बेनी डोलाऊं। माँ तो है जग की पालनी, मैं हूँ तेरी लाडली, दुख मेरा तो टाल दे ओ मैया मेरी। चंदन के पलने में झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं। लोरी गागा के बोलो सोले माते सोले, प्रेम से पत्तों की मैं बेनी डोलाऊं। सर्प से रहना है, बिछाना और उस पे मेरा ये लोरी गा के सुलाना। सर्प से रहना है, नीम पत्र बिछाना और उस पे मेरा ये लोरी गा के सुलाना। बड़ी किस्मत वाली है तेरी बेटी लाडली, तुझको पाके मैया खुशियाँ है मिली। काली महामाई जहाँ तेरे चरण पड़े, मेरा हो शीश माँ तेरे चरण तले। काली महामाई जहाँ तेरे चरण पड़े, मेरा हो शीश माँ तेरे चरण तले। चंदन के पलने में झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं। लोरी गागा के बोलो सोले माते सोले, प्रेम से पत्तों की मैं बेनी डोलाऊं। जग वालों का लगाते फूल दे मुझे, देवी चरण की तू धूल दे मुझे, खुशियों से मुस्काते फूल दे मुझे, चंदन के पलने में झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं, लोरी गागा के बोलूं सोले माते सोले, प्रेम से पत्तों की मैं बेनी डोलाऊं। माँ तो है जग की पालनी, मैं हूँ तेरी लाडली, मेरे दुख मेरा तो टाल दे ओ मैया मेरी, चंदन के पलने में झूला माथे झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं, लोरी गागा के बोलो सोले माथे सोले, प्रेम से पत्तों की मैं बेनी डोलाऊं, पलने में झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं, लोरी गागा के बोलूं सोले माते सोले, प्रेम से पत्तों की मैं बेनी डुलाऊं, चंदन के पलने में झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं, लोरी गागा के बोलूं सोले माते सोले, प्रेम से पत्तों की मैं बेनी डोलाऊं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, राज राजेश्वरी ब्रह्म महिमा अंबिका भवानी की जय। आज उस मणिद्वीप धाम में दिव्य नजारा है, वो सारी देवियाँ झूम रही हैं, नाच रही हैं, माँ को झूला झुला रही हैं, और माँ भी आज अपनी करुणा की वर्षा सब पर कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं। आज माँ के उस दिव्य स्वरूप को देखकर, माँ की उस कृपा को प्राप्त कर, ब्रह्मा विष्णु महेश जो वहीं पर स्थित हैं, वो अपने सारे प्रश्नों को भूल गए हैं। उनके हृदय में तो बस अब एक ही अभिलाषा है कि बस महादेवी हमें आज्ञा दे दें और हम माता के श्री चरणों में बैठकर माता के सानिध्य को प्राप्त कर अपना जीवन व्यतीत करते रहें। माँ हमें आज्ञा दे और माँ के ये सुंदर सुंदर चरण, ये पाक पीठ पे स्थित उनके ये सुंदर सुंदर चरण, हम उनका स्पर्श कर सके। आज माता के चरणों को स्पर्श करने की भावना है, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। बस इसी भाव को लेकर आज ब्रह्मा जी ने जब माँ की ओर देखा तो माँ भी, वो तो अंतर्यामी है, सबके भाव जानती है। माँ ने मुस्कुराते हुए उन तीनों को स्वीकृति प्रदान कर दी और आज वो तीनों माँ की उस स्वीकृति को प्राप्त कर आगे बढ़ते हैं। समस्त श्रद्धा को समेटे हुए माँ के श्री चरणों में आज जैसे ही प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े तो आज माँ ने वहाँ पर एक दिव्य लीला की। माँ ने अपने चरण नख में ब्रह्मा विष्णु महेश को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। सावर जंगम सब कुछ वह उसके भीतर देख रहे हैं, जल थल विभिन्न लोक और समस्त वन प्रदेश वह उस चरण नख में देख रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं अपनी आकृति को उस चरण नख में देखते हैं और आज वो तीनों जब ब्रह्मांड के दिव्य नज़ारों को उस चरण नख में यूँ देख रहे हैं तो वो तीनों अवाक रह जाते हैं। हाथ जोड़कर प्रश्नवाचक दृष्टि से माँ की ओर देखने लगते हैं। हे माँ, ये क्या था? आपने ये कैसा नज़ारा हमें दिखाया? आपका वो छोटा सा चरण नख दर्पण के मानंद हो गया और उसमें हमने ये क्या देख लिया? तीनों मन ही मन ये सोच रहे हैं और माता मुस्कुराती जा रही है। भक्तों, माँ की ये दिव्य लीला पहली बार ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के समक्ष ही हुई ये लीला। हर युग में, हर काल के पड़ाव पर माँ ने जब विविध रूपों को धारण किया और वो इस धरा पर आई तो उन्होंने ये लीला की अपने भक्तों के समक्ष। वह समय जब त्रेता युग में एक दिन माता कौशल्या अपने पुत्र प्रभु श्री राम को दुग्धपान करवाने जाती हैं उनके कक्ष में, तो जाकर कक्ष खोलती हैं, देखती हैं प्रभु श्री राम सो रहे हैं। सोचती है कुछ देर बाद आती हूँ, अभी मेरा लल्ला सो रहा है। बस वहाँ से मुस्कुराते हुए वापस लौटती हैं तो मार्ग में था पूजा गृह। जैसे ही पूजा गृह की ओर देखा एकदम स्तब्ध रह गई, क्योंकि राम को तो मैं कक्ष में छोड़कर आई हूँ तो फिर यहाँ पर राम कैसे बैठा है? अगले ही क्षण दौड़ती हुई उस कक्ष की ओर गई। एक बार पुनः द्वार खोलकर देखा तो वहाँ प्रभु श्री राम तो शयन कर रहे हैं। माता का सर चकराने लगा। द्रुत गति से दौड़ते हुए पूजा गृह के पास आई और वहाँ देखती है राम बैठे हैं, खेल रहे हैं। जैसे ही अब इस नज़ारे को देखा माता अपने आँख मलने लगी और इतने में ही प्रभु श्री राम जो लीला कर रहे थे वो खड़े होते हैं उस पूजा गृह में, माँ की ओर रुख करते हैं और मुस्कुराते हुए देखते हैं और आज अपने देह के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट कर कर उसके दर्शन करवा देते हैं अपनी माता को। माता कौशल्या अवाक रह जाती है। ये कैसा नज़ारा है, ये तो मेरा बालक है, ये तो मेरा बेटा है राम। इसकी देह से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे प्रकट हो रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर वो भी अवाक रह गई। और यही घटना घटी थी द्वापर युग में, जब एक बार बलराम दाऊ के साथ कान्हा खेल रहे थे और आज कान्हा ने अपने मुख में मिट्टी भर ली। बलराम दाऊ ने जब ये देखा तो दौड़ते हुए माँ यशोदा के पास गए और कहने लगे, माँ यशोदा, कान्हा ने फिर से मिट्टी खा ली है। और अब क्या था, माँ यशोदा वहाँ से द्रुत गति से दौड़ने लगी और उसे डपटते हुए कान्हा को कहा, कान्हा तूने मिट्टी खाई है, चल अपना मुख खोल। आज जैसे ही माँ का ये स्वर सुना कान्हा तो मुस्कुरा रहे हैं और ना में सिर हिलाते जा रहे हैं, मुख भी नहीं खोल रहे। तभी फिर से माँ ने कहा, कान्हा तो मुख खोलता है या नहीं। अभी भी कान्हा मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए माँ की ओर देख रहे हैं। अब तो माँ को क्रोध आ गया। माँ ने अपने हाथ में उठाई छड़ी और अब कहा, कान्हा तू मुख खोलता है या नहीं, तूने मिट्टी खाई है ना। यही सुनना था कि माँ की ये बात सुनकर कान्हा अभिनय करने लगे और आज कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपना मुख खोल दिया। लेकिन आज जैसे ही मुख खोला तो आज अपने मुख में अपनी माँ यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए, विविध नज़ारे माँ को दिखा दिए। और वहाँ जब माँ यशोदा ने अपने नन्हे से कान्हा के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए तो आज माँ यशोदा अवाक रह गई। यही हुआ था महासमर भूमि में पार्थ के साथ, जब पार्थ के समक्ष भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया तो वो पार्थ जो समझता था भगवान श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे ज्येष्ठ हैं, आज जब उसने उनकी आकृति में उस विराट स्वरूप को देखा तो आज वो भी अवाक रह गया। उस थर-थर कांपने लगे उसके हाथ और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, ना जाने आपको सखा समझकर मैंने क्या कुछ नहीं कहा है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने उस सखा स्वरूप में ही आ जाइए, वही स्वरूप मुझे अत्यंत प्रिय है। यही घटना श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में भी दर्ज है। वहाँ पर देवों को माँ ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। जब देवों के समक्ष माँ ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया, एक ओर से दूसरे छोर तक माँ का स्वरूप विस्तृत था, संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें दृष्टिगोचर हो रहा था, तो आज देव भी उस स्वरूप को देखकर भयभीत हुए। उन्होंने भी अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, माँ तुम्हारा वो प्रेममय सौम्य स्वरूप वही हमें अत्यंत प्रिय है, आप अपने उस मातृ स्वरूप में आ जाइए, उसी स्वरूप में हम आपको देखना चाहते हैं। भक्तों, युग काल के अलग अलग पड़ावों पर माँ ने ये दिव्य लीला की है, ब्रह्मांड के दर्शन करवाए हैं अपने भक्तों को, अपने रूप, अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया है अपने भक्तों को। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि हमारे समस्त ग्रंथों में जो ब्रह्मांड उत्पत्ति का एक प्रसंग आता है, वो ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रसंग कोई एग्जैजरेशन नहीं है। कोई सुंदर शब्दों का चयन कर अपनी कल्पनाओं में जाकर लेखक ने उस प्रसंग को नहीं लिखा है, वह एक वास्तविक सत्य है। ब्रह्मांड का एक ऐसा महाविज्ञान है जिसे प्रकट करता है ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रसंग। क्योंकि हमारे समस्त ऋषि मनीषी वह सुपर साइंटिस्ट हुआ करते थे उस समय के, उन्होंने शोध किए थे ब्रह्मांड के दूर दूर के विस्तार तक जाकर, और वो शोध किए थे उन्होंने अपनी ध्यान की अवस्था में, और उन्होंने अपने समस्त शोधों को दर्ज किया इस ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रसंग में, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड और मानव के संबंध से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं के उत्तर दर्ज कर दिए। वो सारे प्रश्न जिसे आज हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं, जिस प्रश्न पर आकर आज हमारी क्वांटम फिजिक्स रुकी हुई है कि अगर ये संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा है तो ये ऊर्जा स्पंदित कहाँ से हो रही है, इस ऊर्जा का आकार क्या है, वो एनर्जी क्या है एक्चुअल में, जिस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं पता, उस प्रश्न का उत्तर ये देवी भागवत महापुराण हमें दे रहा है। जिस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं, उस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसका उत्तर ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रसंग हमें दे रहा है, स्वयं महादेवी दे रही हैं। माता ने तो इस रहस्य को अर्धश्लोकी देवी भागवत में ही प्रकट कर दिया था। सर्व खलित्वे वाहं नान्या दासती सनातनम, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड की एकमात्र सनातनी शक्ति हूँ, एकमात्र जननी हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही नदिया की कलकल कर बहती धार में हूँ, मैं ही वर्षा की पहली फुहार में हूँ, मैं ही सूरज का लेती आकार हूँ, मैं ही तारा चंद्र ब्रह्मांड का विविध विस्तार हूँ, मैं ही वन हूँ, मैं ही वनस्पति हूँ, मैं ही इस जीवन का संचार हूँ, मैं ही देह हूँ, मैं ही रक्त हूँ, मैं ही प्राणों का अक्षयतार हूँ, कण कण में मैं ही हूँ बस्ती, मैं ही सृष्टि, मैं ही सृष्टि का आधार हूँ, मैं ही सृष्टि, मैं ही सृष्टि का आधार हूँ। माँ ने स्पष्ट कह दिया, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो नियंता है वो मैं हूँ। और हमारे ऋषि मनीषियों ने इसी सत्य को अपने घट के भीतर जाना और उन्होंने कह दिया, शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, जिस प्रश्न को लेकर हम चले थे, इस ब्रह्मांड का आधार क्या है, वो कौन है जो सूर्य के भीतर तेज के रूप में प्रकट होता है, वो कौन है जो चंद्रमा को शीतलता प्रदान करता है, वो कौन है जो पंछियों के कलरव में स्थित है, वो कोई और नहीं, वो कण-कण में स्पंदित होने वाली आदि शक्ति ही है, जगत जननी ही है। भारत के ऋषि मनीषियों ने उस तथ्य को जब जाना, इस शक्ति को जब जाना, तब उन्होंने निर्माण कर दिया देवी सूक्त का, जिसमें वो कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कांति रूपेण शक्ति रूपेण मातृ रूपेण धृति रूपेण, असंख्य रूपों में माँ की महिमा को गा दिया, कण कण में स्थित उस माँ की महिमा को गाया। और दूसरा प्रश्न, जिस प्रश्न को लेकर, जिस प्रश्न को स्वयं माँ ने खड़ा किया था, वो प्रश्न क्या था, वो प्रश्न था कि मैं कौन हूँ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने चरण नक में ब्रह्मांड के नज़ारे को देखा, तो साथ ही में उन्होंने अपने स्वरूप को भी देखा। ये संकेतक है कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है, वह भी वो जगत जननी ही है, वो एक सनातनी शक्ति ही है जो अपनी इच्छा से एको अहम बहुस्याम ये संकल्प जब लेती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाती है। जैसे एक प्रिज्म होता है ना, आपने साइंस के लैब में देखा होगा, पिरामिड के आकार का वो ग्लास का एक छोटा सा प्रिज्म, उस प्रिज्म में से जब वाइट लाइट को पास करते हैं, तो सतरंगी लाइट, 7 कलर्स ऑफ लाइट हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, विबग्योर हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। जैसे बारिश की बूंदों से जब वो सफ़ेद सूर्य की रोशनी छल कर आती है एक बरसाती दिन पर, तो हमारे सामने वो इंद्रधनुष प्रकट हो जाता है, ऐसे ही वो महादेवी अपनी इच्छा से, वो एक ही है, अपनी इच्छा से अपने आप को विविध स्वरूपों में प्रकट कर लेती है। और वही विविध स्वरूप, वही आदि शक्ति हमारे भीतर चेतना रूप में, आत्मा रूप में स्थित होती है। वही इस सृष्टि की विराट आत्मा है, जिसमें हम समस्त आत्माएं पिरोई हुई हैं। हम में और उस शक्ति में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। अपनी आत्मा स्वरूप में, आत्म रूप में हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारी आत्मा वो कुछ और नहीं, वो परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और देवी सूक्त में जिसे हम रोज पढ़ते हैं, उसी में इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने उजागर किया है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत भिदीयेत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो कैसे कण-कण में स्थित है, वो कैसे हम में भी स्थित है, उस चेतना रूप में। वो चैतन्य शक्ति, वो आत्म शक्ति, वो हमारे भीतर जब तक है तब तक हम जीवित हैं, तब तक हम श्वास ले रहे हैं। वो शक्ति जब हमारे भीतर से निकल जाती है तो हम मृत प्राय हैं। यूं कण-कण में स्थित जब उस शक्ति को हमारे ऋषि मनीषियों ने देखा तो उन्होंने तंत्र तंत्र की पूजा का विधान बना दिया। हमारी महापुरुषों का ज्ञान इतना वृहत था। आज तो हम प्रश्न उठाते हैं, क्यों करें जल की पूजा, क्यों करें सूर्य की पूजा, क्यों करें वनस्पतियों की पूजा। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कण कण में बस रही उस जगत जननी को इन सभी निधियों में देखा और इसीलिए उन्होंने इनकी पूजा का विधान बनाया। और एक और साइकोलॉजिकल अप्रोच थी कि जब मानव कण कण में स्थित उस भगवती को, उसके पूजन करेगा, कण कण में स्थित उस देवी का इन स्वरूपों में पूजन करेगा, तो वो इन स्वरूपों का दोहन नहीं करेगा, वो इन स्वरूपों की गुणवत्ता को समझेगा, प्रसाद रूप में इन्हें ग्रहण करेगा। परंतु ना तो हम इस तथ्य को समझ पाए, ना ही हम इसके सार को पकड़ पाए। लेकिन हमारे ऋषि मनीषियों ने जब इस सार को पकड़ा तो उन्होंने माँ की दिव्य महिमा को गाया। जानते हैं कैसे? कण-कण में स्थित उस देवी की महिमा को उन्होंने गा दिया। आइए भक्तों, हम भी ऋषि मनीषियों की उस दिव्य महिमा गान में सम्मिलित होते हैं। हम भी आज, जहाँ हम इस ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ हमने इस रहस्य को जाना है, हम भी चलते हैं, बढ़ते हैं और सुनते हैं किस प्रकार हमारे ऋषि मनीषियों ने कण कण में स्थित उस देवी की महिमा गाई, एक एक तंत्र में उसे देखा और कैसे उनका गुणगान किया। आइए श्रवण करते हैं। जन में तेरी ज्योति, हर जीव जन में तेरी ज्योति, ब्रह्मांड में तू है साकार, तू है साकार, तू है साकार, तू है साकार, तू है साकार। तू ही विश्वधात्री। शिखर जैसे भाल तुम्हारा, ऊंचे शिखर जैसे भाल तुम्हारा। सरिताए सागर है करुणा की धारा। ये सब है माता तेरा दिव्य दर्शन। ये सब है माता तेरा दिव्य दर्शन। तुझसे ही पाए ये सृष्टि आकार। तू है साकार, तू है साकार, तू है साकार, तू है साकार। तू ही समाए अनंत गगन में, तू ही समाए अनंत गगन में। जिस ज्योति से सूरज दम के शक्ति वही है तू मात भवानी। जिस ज्योति से सूरज दम के शक्ति वही है तू मात भवानी। कण कण में तुझको है मैया। जो देखे कण कण में तुझको है मैया। उसने तेरी महिमा जानी। तुझ में ही सारे देव समाए। तुझ में ही सारे देव समाए। तुझे नमन माँ बारंबार। तू ही समाए अनंत गगन में, तू ही समाए अनंत गगन में। जल में और थल में तेरा विस्तार। जल में और थल में तेरा विस्तार। हर जीव जन में ज्योति। हर जीव जन में तेरी ही ज्योति। ब्रह्मांड में तू है साकार। तू है साकार, 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 तू है साकार। वो आदि शक्ति जगत जननी ही है जो कण कण में स्पंदित हो रही हैं। उन्होंने ही इस सृष्टि को आकार दिया है। आज ब्रह्मांड के इस दिव्य रहस्य को देखकर, जानकर ब्रह्मा विष्णु महेश बारंबार माँ के चरणों में नमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आज ब्रह्मा जी घबराते हुए माँ के समक्ष हाथ जोड़कर एक और जिज्ञासा रखते हैं। माँ, यूँ तो आपने इस समूचे ब्रह्मांड का रहस्य हमारे समक्ष उद्घाटित कर दिया, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है। यदि आप इस संपूर्ण सृष्टि की माता हैं, जननी हैं, आधार हैं, तो फिर वो ब्रह्म कौन है? आपका और ब्रह्म का क्या संबंध है? जैसे ही माता ने यह सुना, भक्तो ये प्रश्न ऐसा है जो हमारे मन में भी उठता होगा, क्योंकि जब हम भगवान विष्णु की गाथा सुनते हैं तो उनको सर्वोच्च बताया जाता है। जब हम भगवान महादेव की गाथा सुनते हैं तो उनको सर्वोच्च बताया जाता है। हम तो ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब शक्ति क्या वही है, वह उनसे भी सर्वोच्च है? हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न उठते हैं। तो इसका समाधान स्वयं माता इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस कथा में हमें प्रदान कर रही हैं। माँ ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, सदैकत्वम न भेदो अस्ति सर्वदेव ममास्य च। ब्रह्मदेव, मुझ में और समस्त देवों में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। मेरा और ब्रह्म का संबंध तो ऐसा है जैसे सागर और उसकी लहरों का होता है, जैसे पुष्प और उसकी सुगंध का होता है, जैसे सूर्य और उसकी किरण का होता है। भक्तों, हमारे जीवन में सूर्य के उदय होते ही परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। हम कहते हैं सूर्य देव हमारे जीवन के लाइफ लाइन है, लेकिन एक बात विचार करके देखिए, सूर्य तो इस धरती से कई कई मीलों की दूरी पर है। वो सूर्य स्वयं तो इस धरा पर नहीं आता। आता क्या है? सूर्य की किरणें। क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य और उसकी किरणें पृथक हैं? अगर सूर्य की किरणें ना हों तो फिर हमें सूर्य का अस्तित्व पता ही नहीं चल सकता, हम सूर्य का लाभ नहीं उठा सकते। और सूर्य है इसलिए उसकी किरणें हैं। ठीक ऐसे ही अगर सागर है तो लहरें हैं, और लहरें हैं इसलिए हमें पता है कि सागर भी है। अगर पुष्प से सुगंधी उठती है तो हम जानते हैं कि पुष्प है, और अगर पुष्प है तभी सुगंधी है। यूं आप इन दोनों को पृथक कर ही नहीं सकते। ठीक ऐसे ही माँ कहती हैं, ब्रह्म और शक्ति में हम दोनों एक ही हैं। एक स्थिर सत्ता है ब्रह्म और दूसरी गतिमान सत्ता है। वो जब गति में आ जाती है हम उसे शक्ति कह देते हैं, जब वो स्थिर है तो वो ब्रह्म है, वो शांत है, वो आनंद के स्रोत हैं। और वही जब इच्छा करते हैं कि ये सृष्टि प्रकट हो तो शक्ति रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे उपनिषदों ने कहा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति। वो एक ही शक्ति है, विविध रूपों में प्रकट हो जाती है, और ब्रह्म और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। लेकिन माता अगली पंक्ति में कहती हैं कि ये अंतर हमें क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये बुद्धि भ्रम से जन्म लेता है। बुद्धि भ्रमित करती है इंसान को, डुअलिटी के प्रिंसिपल पर बनी हुई है, इसीलिए वो हर चीज़ को इस द्वंदात्मक दृष्टि से, उस पर्सपेक्टिव से देखती है, और वह हमारे भीतर यह संदेह उत्पन्न करती है कि दोनों चीज़ें पृथक होंगी। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको विज्ञान का, केमिस्ट्री का कोई भी ज्ञान ना हो, आप कभी केमिस्ट्री लैब गए नहीं, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी मान लीजिए, और अगर आपके समक्ष पानी, बर्फ और भाप, इन तीनों को लाकर रखा जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या हैं, तो आप कहेंगे ये सारे पृथक पृथक वस्तुएं हैं। एक पानी है जो तरल है, एक बर्फ है जो सॉलिड है, और एक भाप है जो दृष्टिगोचर ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपने बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये भले ही देखने में पृथक हो, लेकिन ये सारे क्या हैं? ये H2O है, तत्वतः एलिमेंटली ये H2O, ये पानी ही है। ठीक ऐसे ही जब तक हम अपनी इस बुद्धि से उस ईश्वर को, उस प्रभु के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी बुद्धि की सीमा जो है वो बहुत संकुचित है, उसकी सीमा संकुचित है, और वो अनंत भगवान के दृश्य को, अनंत भगवान के रहस्य को, उस भगवती के रहस्य को समझने में असक्षम है। वो डुअलिटी पर बेस होकर डिफ्रेंशिएट करती है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि यह जो संपूर्ण समूचा ब्रह्मांड है वो विविध है ही नहीं, विविधता दिखती है, लेकिन इस विविधता के पीछे एक ही शक्ति है। वो एक ही शक्ति है जिसे हमें देखना है, परंतु हम इसे बुद्धि से नहीं समझ सकते। एक बार सेंट ऑगस्टाइन, जो आगे चलकर उन्होंने उस विजन को प्राप्त किया, उस दृष्टि को प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त किया और जाना कि इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, लेकिन जब वो जिज्ञासा करते थे, खोज कर रहे थे, जिज्ञासा की अवस्था थी उनकी, तब उस समय वो बहुत बार कोशिश करते थे कि वो ईश्वर के रहस्य को अपनी बुद्धि के बलबूते पर समझ लें, परंतु कभी भी उसमें सक्षम नहीं हो पाते थे। हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता था। बड़ी दुविधा थी उनके जीवन में कि आखिर मैं ये रहस्य सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा। तब एक दिन वो नदी के किनारे से गुजर रहे थे और एक छोटा बच्चा वहाँ पर रो रहा था। उसके रोने का स्वर सुना तो सेंट ऑगस्टाइन उसके पास चले गए। उस बच्चे से पूछा, पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे ने कहा, एक कठौता उनके समक्ष कर दिया और कहा, इस कठौते में मैं इस बहती हुई नदी को भरना चाहता हूं, लेकिन इसमें समा ही नहीं रही। सेंट ऑगस्टाइन ने अपनी हंसी को संभाला क्योंकि बच्चा रो रहा था। उस बच्चे को समझाने लगे, बेटा तुम्हारा कठौता तो इतना छोटा है, उसमें ये निरंतर प्रवाहित होती नदी कैसे समा सकती है? किसी तरह समझा बुझाकर उसे चुप करवाया और घर भेज दिया। लेकिन आज जब वहाँ से आगे बढ़े तो दिमाग में एक विचार कौंधा। विचार था, ऑगस्टाइन तू भी तो यही करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बुद्धि के इस छोटे से कठौते में उस ईश्वर को समेट लेना चाहता है, क्या ये संभव है? उस दिन वो अपनी बुद्धि के मापदंडों पर ईश्वर को समझने से आगे बढ़ गए और उन्होंने उस ज्ञान की खोज की जिससे ये रहस्य समझ आता है। भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश के समक्ष ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का रहस्य जब माँ ने प्रकट कर दिया और आज जब यह भी समझा दिया कि मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो आज माँ ने अब उन्हें कहा कि अब ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने आपको ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य बता दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि आपके भीतर भी जो कार्य कर रही है वो शक्ति मैं ही हूँ, आपका वास्तविक स्वरूप भी मुझसे ही है। अब आप अपने अपने कार्यों को संभालिए। ब्रह्मा जी, अब आप सृष्टि का सृजन कीजिए। भगवान विष्णु, आप सृष्टि का पालन करेंगे। और महादेव, आपको सृष्टि का संहार कार्य संभालना है। जैसे ही यह सुना, ब्रह्मा जी ने कहा, माता लेकिन अभी तो हम अशक्त हैं, हम किस प्रकार से ये सारे कार्य करें? तब माता मुस्कुराने लगी और माँ ने आज एक और दिव्य लीला की। माँ ने अपने श्री विग्रह से तीन देवियां प्रकट की। सर्वप्रथम श्वेत वस्त्रों को धारण की हुई दिव्य रूप धारिणी देवी, जिनका नाम माँ सरस्वती था, उन्हें समक्ष खड़ा कर दिया ब्रह्मा जी के और कहा, ब्रह्मदेव ये आपकी अर्धांगिनी है, आपकी शक्ति है, इनके साथ मिलकर आपने इस सृष्टि का सृजन करना है। याद रखिएगा, अपनी शक्ति का सम्मान कीजिएगा और आप दोनों मिलकर अपने कार्य में संलग्न हो जाइए। इसके बाद माँ ने एक और दिव्य रूप धारिणी देवी प्रकट की। स्वर्ण वर्ण की कांति थी उनकी, उनका नाम था माता महालक्ष्मी और उन्हें स्थित कर दिया भगवान विष्णु के साथ। कहा, भगवान विष्णु आपने इनके साथ मिलकर इस सृष्टि का पालन कार्य संभालना है। तभी माँ ने एक तीसरी देवी को प्रकट किया, उनका नाम था माता महागौरी। आज माता महागौरी को कहा, आपने महादेव के साथ स्थित होकर इस सृष्टि के संहार कार्य को संभालना है। आप तीनों अब जाइए और इस सृष्टि का कार्य व्यवहार इसे संभाल लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ की आज्ञा को प्राप्त किया और वह तीनों अपने अपने कार्यों को संभालने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने माँ की आज्ञा को प्राप्त कर माँ की दिव्य शक्तियों का सम्मान करते हुए इस सुंदर सृष्टि का निर्माण कर दिया जिस सृष्टि में हम रहते हैं। इस सुंदर सृष्टि को आकार दिया, निरंतर इसके कार्यों को संभाल रहे हैं, निरंतर इसका सृजन, इसका पालन और इसका अंत, उन तंत्रों में जहाँ अंत की आवश्यकता है वो भी संचालित हो रहा है। भक्तों, ये ब्रह्मांड का वो रहस्य है, हमारे शास्त्र ग्रंथों का वो पक्ष, वो प्रसंग, वो ज्ञान जिसे सभी ज्ञानों का ज्ञान कहा जाता है। कहते हैं, येन विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसे जानने के बाद और कुछ जानना नहीं शेष रहता, उस ज्ञान के प्रसंग को हमने श्रवण किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब इस ज्ञान को प्राप्त किया तो उन्होंने सुंदर सृष्टि की रचना कर दी। परंतु मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहूँगी, आपने भी इस समूचे ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रसंग को श्रवण कर लिया है, आप बताइए ज़रा, क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? क्या आपके भीतर की भावनाएं श्रेष्ठ हो गई? जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था महासमर भूमि में, तो स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन ने कहा था, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और वह महासमर भूमि का महान योद्धा बना। उसने अधर्म की चूलें हिला दी, धर्म की स्थापना में सहयोगी बना। बताइए, क्या हमारा मोह नष्ट हो गया? हमारे महापुरुषों ने जब कहा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति, तो आगे कहते हैं, तमात मस्तंग ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। वो कहते हैं, जिसने इस रहस्य को जान लिया, जो उसे अपने भीतर देख रहा है, पश्यन्ति देख रहा है, उसके जीवन में शाश्वत सुख आनंद उसे प्राप्त हो जाता है, शांति मिल जाती है। क्या आपको मिल गई? आपने भी इस पूरे प्रसंग को श्रवण कर लिया है? बताइए। नहीं मिली। कैसे मिलेगी? आपने अभी सिर्फ सुना है, सुना है, लेकिन जाना नहीं है। अभी हमने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है, जानकारी प्राप्त की है, नॉलेज अभी हमें नहीं हुई। हम इन्फॉर्मेशन को लेकर ही समझते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन अकेली इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारी लाइफ में वो चेंज नहीं आएगा जिस चेंज का वर्णन हमारे ऋषि मनीषियों ने किया। ये इन्फॉर्मेशन है कि चीनी मीठी होती है। जब आप उस चीनी को खा लेते हो तो आपको नॉलेज होती है, आपके मुख में वो मिठास घुलती है, आप इन्फॉर्मेशन से नॉलेज की ओर बढ़ जाते हो। नीम कड़वा होता है, ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब हम उस नीम को चबाते हैं, उसकी कड़वाहट हमारे भीतर जाती है, तो हम उस नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं, हम इन्फॉर्मेशन से नॉलेज की ओर बढ़ जाते हैं। आईफिल टावर पेरिस में है, वो इस सन में बना, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जब आप आईफिल टावर को देख आओगे पेरिस जाकर, तब आपकी वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज में चेंज हो जाएगी, आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा, आप उसे एक्सपीरियंस कर लोगे, जान लोगे, देख लोगे, तब इन्फॉर्मेशन से नॉलेज का सफ़र पूरा होगा। अभी जो हमने किया है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है, परंतु आज हम इन्फॉर्मेशन की एज में जीते हैं। इस कलिकाल को एज ऑफ इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, जहाँ पर गूगल पर दुनिया जहान की सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। और इंसान क्या करता है, गूगल पर बैठकर कुछ थोड़ा बहुत सर्च करता है और अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगता है, अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, अपने आप को एक्सपर्ट डॉक्टर समझता है। कोई इंजीनियरिंग की थोड़े से नोट्स पढ़ लेता है और सोचता है मुझे भी इंजीनियरिंग आती है। लेकिन ऐसी एक्सपर्टीज़ का नतीजा क्या होता है? हर व्यक्ति सोचता है मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसी एक्सपर्टीज़ का नतीजा क्या होता है? इस पर मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, वो बहुत समय पहले कहीं विदेश की यात्रा करके आया था। उस गांव के लोगों को जब पता चला कि ये विदेश यात्रा करके आए हैं हमारे महाशय जी, तो उनका बड़ा सम्मान होने लगा। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ की थी और वो गांव के लोग थे बड़े भोले भाले, तो उनका बड़ा मान सम्मान था, क्योंकि उनको लगता था हमारे गाँव के ये महाशय जी तो विदेश होकर आए हैं। आज की जैसी ही मानसिकता थी, फॉरेन का स्टैंप लगना चाहिए और उस व्यक्ति का तो मान सम्मान ही बढ़ जाता है, भले ही वो फॉरेन में कुछ भी करके आया हो। ठीक ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ भी था। एक दिन उस गांव में एक अन्य व्यक्ति आए जो विदेशों में ही रहा करते थे। अब वो व्यक्ति जब उस गांव में आए तो सभी गांव वाले उनके साथ बैठे हैं और वो विदेश की तरह तरह की बातें करते जा रहे हैं। सभी को लगा इनके साथ बात करने के लिए तो हमें अपने महाशय जी को बुलाना चाहिए। महाशय जी को बुलाया गया। महाशय जी भी अपनी ही शान में चले आ रहे हैं, कहते हैं देखते हैं चल के कि कौन आया है, कहाँ कहाँ रहा है। आज वहाँ पहुँचे और उस व्यक्ति के साथ उन्हें बिठा दिया गया। अब महाशय जी ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई कहाँ कहाँ घूम के आए हैं आप, कौन कौन सी जगह पर रहे हैं, कहाँ रहते हैं विदेश में? उस व्यक्ति ने कहा मैं कनाडा में रहता हूँ। अब महाशय जी ने कहा हाँ हाँ मैं भी कनाडा में रहा हूँ 2 साल। अब उन महाशय जी ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो मैं यूरोप भी रहा हूँ, मैंने यूरोप में भी यूरो ट्रेन का वो सफ़र मैंने किया है और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ देखी है। अब वो महाशय जी भी कहते हैं अच्छा यूरोप, हाँ हाँ यूरो रेल में मैं भी गया हूँ और मैं भी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में कुछ 3-4 महीने घूमा हूँ। अब जैसे ही वो व्यक्ति सुनते हैं अच्छा ये यूरोप भी गया है, तो फिर वो आगे कहता है और जानते हैं एक समय मुझे अपने कार्य के सिलसिले में, किसी जॉब वर्क के सिलसिले में जापान जाना पड़ा। जापान तो बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे नज़ारे देखे, बहुत सारी जगहों पर गया। महाशय जी ने कहा हाँ हाँ जापान, मैं भी 1 साल वहाँ पर लगा के आया हूँ। अब उस व्यक्ति के मन में आया कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहीं वहीं ये भी गए हैं। तो अब उस व्यक्ति ने आगे से कहा जनाब ऐसा लगता है आपको ज्योग्राफी का बहुत ज्ञान है। आज उस व्यक्ति ने, उस महाशय जी ने जब ये सुना तो कहने लगे हाँ हाँ ज्योग्राफी में भी मैंने 6 महीने लगाए हैं। भक्तों ये होता है इन्फॉर्मेशन का हाल। जब हम आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हैं ना, तो ये होता है वो नतीजा। एक्सपर्टीज़ तो धरी की धरी रह जाती है, हमारा मुखौल बन जाता है, लोग हम पे हंसने लगते हैं। ये हुआ उस व्यक्ति के साथ, लेकिन ये तो एक हास्यास्पद बात थी भक्तों। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इन्फॉर्मेशन को लेके ही कहते हैं कण कण में भगवान है, हर व्यक्ति बोलता है। कोई आज ऐसी बात तो आपने नहीं सुनी जो आपने पहले ना सुनी हो। हर व्यक्ति कहता है कण कण में भगवान है, लेकिन अगर कण कण में भगवान है तो फिर समाज का ऐसा बुरा हाल क्यों? कण कण में भगवान है तो फिर हमारे समाज में इतनी वायलेंस, हिंसा क्यों? किसी ने खूब कहा है क्या, क्यों इंसान को इंसान का ख्याल नहीं होता? क्यों इंसान को इंसान का ख्याल नहीं होता? क्या सामने वाले में बैठा भगवान नहीं होता? क्यों नहीं कांपते उसके हाथ दूसरों पर उठने से पहले? क्या सामने वाले के अश्क देखकर उसके मन में मलाल नहीं होता? क्या मिली थी शक्ति इसलिए कि हम लड़े झगड़े और जीवन बेजार करें? ऐ इंसान, क्या तेरे मन में कभी ये सवाल नहीं होता? गर दिखता तुझे जर्रे जर्रे में भगवान, तो किसी की देह क्या, किसी का मन भी हलाल नहीं होता, किसी का मन भी हलाल नहीं होता। है ना सच्चाई हमारे समाज की? कहते हैं कि कण कण में भगवान है, लेकिन सामने वाले में हमें भगवान नहीं दिखता, लड़ते हैं उससे, झगड़ते हैं उससे। ईर्ष्या द्वेष है हमारे भीतर। कहते हैं कि कण कण में भगवान है, लेकिन जब प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करते हैं तब हमारे हाथ नहीं कांपते। जब उन पशुओं को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मार देते हैं तब हमारे हाथ नहीं कांपते। जब हम वनों को अपने आलीशान घर बनाने के लिए काट देते हैं तब हमारे हाथ नहीं कांपते। कैसा कण कण में भगवान है? ये कैसी बात हम बोल रहे हैं? सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ही बार बार रटते जा रहे हैं। और इसी इन्फॉर्मेशन का नतीजा है कि हमारे समाज में आज हम उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर सबसे बड़ा खतरा हमारे समक्ष क्लाइमेट चेंज का है। एनवायरमेंटल क्राइसिस के बीचों बीच खड़े हैं, आपदाएं हमारे सर पर खड़ी हैं। हर जगह कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, हर जगह विध्वंस हो रहा है, लेकिन फिर भी इंसान, उसके भीतर कोई बदलाव नहीं। हर ओर क्राइम है, क्यों? अगर कण कण में भगवान दिखता होता तो ये क्राइम नहीं होता। टेररिज्म है, क्यों? क्या दर्द नहीं होता दूसरे के रक्त को देखते हुए? क्या उसमें बैठा हुआ वो भगवान नहीं दिखता? इसीलिए तो ये सब हो रहा है। हमारे विश्व की एक एक समस्या के रूट में छुपी है ये प्रॉब्लम कि हमने जानकारी तो अनंत अर्जित कर ली है। हम एक तरफ तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका, उस भगवती का अर्थ, उस जगदम्बा का दर्शन हमने नहीं किया। हमें कण कण में भगवान नहीं दिखता, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। और इसी का नतीजा है कि हमारी वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें पृथकता दिखती है। ये बातें एक इंसान के भीतर के सूक्ष्म अज्ञान को खत्म ही नहीं कर पा रही। बातें सुनकर आज देखिए वर्ल्ड में पीस को कायम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितनी अवेयरनेस जनरेशन हो रही है। अवेयरनेस जनरेशन पर ही बल है। सुशिक्षित करो, जानकारी दो, बताओ कि इसकी हानि क्या है, परंतु क्या इस जानकारी को हासिल करने के बाद कोई चेंज हो रहा है? सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं ये सारे प्रयास ऐसे हैं जैसे अगर एक वृक्ष की जड़ में कीड़ा लगा हो, बीमारी लगी हो और हम उसके वृक्ष के पत्तों को, फूलों को, उनको साफ करते रहें, उन पर दवाई छिड़कते रहें। हम बाहर से इंफॉर्मेशन डालकर कोशिश कर रहे हैं कि इससे समझ पड़ जाएगी, लेकिन इस बाहरी इंफॉर्मेशन से मानव की अज्ञानता का पर्दा नहीं छट सकता, वो नहीं भेदा जा सकता। वो अज्ञानता कोई निरक्षरता नहीं है, अज्ञानता वो सूक्ष्म पर्दा है। ज्ञान के अभाव में जो पैदा होता है वो अज्ञानता है। मैं मेरे का भाव, तेरे मेरे की पृथकता जो हमें भेद दिखाती है वो अज्ञान है। और उस अज्ञान को भेद पाने के लिए वर्ल्ड का कोई भी डिसिप्लिन, वर्ल्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन सक्षम नहीं है। शास्त्र ग्रंथों को भी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वो भी आपकी इस अज्ञानता के आवरण को भेद नहीं सकते। इसीलिए आज ये गाथा सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुनकर ही आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा, और इसीलिए नहीं आया क्योंकि इन्फॉर्मेशन के आगे हमें नॉलेज तक बढ़ना है। आज समाज में जो विध्वंस है, आज समाज में जो प्रॉब्लम्स है, अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो ये जो समूचा ब्रह्मांड उत्पत्ति का रहस्य ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाना, उस रहस्य को हमें अपने भीतर जानना होगा। आप देखिए इस कथा प्रसंग की ओर ज़रा सा गौर कीजिए। देखिए माँ तो प्रलय सागर में ही प्रकट हो गई थी, तो माँ तभी ब्रह्मा विष्णु महेश को बता सकती थी कि मैं ही हूँ कण कण वासिनी, मैं ही हूँ इस सृष्टि का आधार। पर माँ ने शब्दों में नहीं बताया। माँ उन्हें उस विमान यात्रा पर लेकर गई और उस विमान यात्रा पर ले जाने के बाद चरण नख में उन्हें दर्शन करवाया। क्यों? क्योंकि बातों से नहीं, जब आप इस रहस्य को देख लेंगे। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा तमात मस्तंग येन उपश्यंती। पश्यंती, पश्यंती वर्ड संस्कृत का शब्द है जो जिसका अर्थ है देख लेंगे। जब आप देखेंगे, इस रहस्य को जानेंगे, इस रहस्य को देख लेंगे कि कण कण में भगवान स्थित है, जब आपको ये दिखने लगेगा, जब आपको ये रहस्य दिख जाएगा, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दूध में घी है, परंतु क्या हमें वो दिखता रहता है? नहीं, वो घी हमें ऐसे नहीं दिखता। उसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, एक एपरेटस का प्रयोग करना होता है, मथनी का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले दूध में जामन लगाया जाता है, उससे दही बनता है, दही को उस मथानी से मथा जाता है और मक्खन बनाया जाता है। फिर उस मक्खन को आंच पर चढ़ाया जाता है, कुछ समय के लिए पकाया जाता है और तब हमारे हाथ में वो घी आता है। यूँ दूध में घी है, परंतु जब तक इस प्रोसेस को और इस एपरेटस को हमने यूज़ नहीं किया, तब तक हमारे हाथ में वो घी नहीं आता, तब तक हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। ठीक ऐसे ही वो जल कण कण में है, चारों ओर है, धरती में है, आकाश में है, परंतु उस आकाश के जल से, उस धरती के जल से हम यहाँ पर प्यासे बैठे हैं तो प्यास नहीं बुझा सकते। हमें क्या करना होगा? हमें उस जल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक विधि को अपनाना होगा। एक मोटर लगानी होगी, वो पानी को धरती में से खींचेगी, या फिर एयर के पानी को डिस्टिल करना होगा और फिर हम उसे यूज़ कर पाएंगे। कंडेंस होगा, डिस्टिलेशन होगी, फिर हम उसे यूज़ कर पाएंगे, हम उस पानी को पी पाएंगे। वहाँ पर भी हमें एक प्रोसेस चाहिए और एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक हैंडपम्प चाहिए, एक नल चाहिए। ठीक ऐसे ही कण कण में वो भगवान स्थित है, परंतु इसका लाभ हमें कब होगा? इसका लाभ हमें तब होगा जब हम भी उस एक टेक्निक को जान लेंगे जिससे हम उस ईश्वर को कण कण में जो स्थित है उसे देख सकें, उस भगवती को देख सकें। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक कोई और टेक्निक नहीं, हमारे शास्त्रों में उसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। अध्यात्म का परम विज्ञान ब्रह्म ज्ञान। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में राज विद्या कहा, उसी को श्री विद्या कहा तंत्र में, उसी को उपनिषदों में ब्रह्म विद्या कहकर संबोधित किया गया, उसी को वैष्णवी विद्या कहा जाता है शास्त्रों में। ये और कुछ नहीं, उस ब्रह्म को इस अंतर्घट में जान लेने की विद्या है, जिससे आप उस ईश्वर के दर्शन कर लेते हो। एंड मार्क माय वर्ड्स, दर्शन देख लेते हो। यस, God is not just to be believed, God is to be known. इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, if there is God, we must see Him. If there is soul, we must perceive it. Otherwise, it is better not to believe. It is better to be an outspoken atheist than being a hypocrite. अगर ईश्वर है तो वो दिखना चाहिए, अगर आत्मा है तो क्या आपने उसके दर्शन किए हैं? प्रश्न तो यह है। अगर नहीं किए तो फिर वो कहते हैं नास्तिक होना बेहतर है, इससे कि आप मुंह से तो बोलते रहो कि कण कण में भगवान है, हम उसे मानते हैं, लेकिन आपने उस भगवान को देखा नहीं और आपका आचरण उस भगवान के अनुरूप नहीं। तो ऐसी हिपोक्रिटिक सोसाइटी के सामने वो उद्घाटित करते हैं कि ईश्वर देखने का विषय है। और उसे कैसे देखा जाता है? उसे ब्रह्म ज्ञान से देखा जाता है। और वो ब्रह्म ज्ञान से हम कहाँ देखते हैं उस ईश्वर को? कहाँ जाएं, कौन सी लैब में जाएं, कहाँ जाकर शोध करें और वो दिखेगा? तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने खुद मानव देह को एक सुप्रीम लैब के फॉर्म में बनाया है। सुप्रीम लैब है ये मानव देह, जिस मानव देह में पूरा एपरेटस फिट है। इसके अंदर एक इरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, भ्रिकुटी के मध्य में, यहाँ पर एक डिवाइनोस्कोप है। जैसे हमें इन नेत्रों से माइक्रोब्स नहीं दिखते तो हमने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। जैसे हमें इन नेत्रों से दूर दराज की गैलेक्सीज नहीं दिखती तो हमने टेलीस्कोप का इजाद किया और उस टेलीस्कोप से उन्हें देखा। ऐसे ही हमें इन दो नेत्रों से वो ईश्वर कण-कण में नहीं दिखता, क्योंकि उसको देखने के लिए एक डिवाइन स्कोप, एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। वो दिव्य दृष्टि जो हमारे इस देह का एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे सेट किया गया है। जब इस एपरेटस को एक्टिवेट किया जाता है, जब यहाँ पर ये दिव्य दृष्टि खुलती है, तब इंसान अपने घट के भीतर उस ब्रह्मांड के रहस्य को जानता है। परंतु ये एक्टिवेशन अपने आप नहीं हो सकती। इसीलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कहाँ जाना पड़ा इस रहस्य को जानने के लिए? कथा हमें बता रही है, महादेवी के चरणों में जाना पड़ा। महादेवी को, जगत जननी को हमारे शास्त्रों में सद्गुरु रूपिणी माँ कहा गया है। वो सद्गुरु रूपिणी माँ, वो सद्गुरु ही हैं जिनके श्री चरणों में जब एक जिज्ञासु ब्रह्मा विष्णु महेश इस दर्शन को प्राप्त करने से पहले नारी रूप में परिवर्तित हो गए। ये नारी रूप द्योतक है, बुद्धि से नहीं समझ सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा का भाव होगा तो ज्ञान मिलेगा। जब श्रद्धा के भाव को लेकर एक जिज्ञासु जो सच में जानना चाहता है, वो एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाता है, तो और उनकी शरण में जाकर जब नतमस्तक होता है और प्रश्न करता है, जो अर्जुन को गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। जब वो जाकर उनके चरणों में प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, आप मुझे उस ब्रह्मांड का रहस्य मेरे अंतर्घट में प्रकट कीजिए, मुझे वो परम ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। जब वो इस भाव से श्रद्धा को लेकर एक गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, तो वो गुरु ही है जो उसकी इस बॉडी रूपी लैब में इस एपरेटस को, इस दिव्य दृष्टि को, इस आई ऑफ सोल को एक्टिवेट करते हैं और एक मनुष्य अपने अंतर्घट में ब्रह्मांड के दिव्य नज़ारे को देखता है। इसीलिए गुरु की महिमा गाते हुए कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो उस अखंड ब्रह्मांड के दर्शन इस अंतर्घट में करवा दे, उनके श्री चरणों में नमन है। भक्तों, आज अगर हमें अपनी समाज की सभी समस्याओं से निजात पाना है, अगर मानव को उसके इस दोगलेपन से ऊपर उठाना है तो मानव को भी इंफॉर्मेशन से नॉलेज की ओर बढ़ना होगा। मानव को आज आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान ही जब उसके जीवन में आता है तो उसकी अज्ञानता की जड़ता को, उसके भीतर पनपती हुई जड़ता को वो खंड विखंड कर देता है। इसलिए आज समय की मांग है ब्रह्म ज्ञान। आज इस समय को अगर कुछ चाहिए तो वो है ब्रह्म ज्ञान। आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं उसी ब्रह्म ज्ञान की महिमा को। जब वो एक मनुष्य के जीवन में आता है तो किस प्रकार उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के मधुर ध्वनि से ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से, ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से, ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जीवन तार का अब हर एक स्वर, जीवन तार का अब हर एक स्वर क्षणकृत फिर हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से, ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से। आशाएं इस युग सवारे, क्या इसकी तस्वीर सवारे। अपने दायित्वों को निभा दे, अपने दायित्वों को निभा दे, तभी जगत मुस्कुराएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जीवन तार का अब हर एक स्वर, जीवन तार का अब हर एक स्वर, क्षणकृत फिर हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जड़ चेतन हो जाएगा। जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान के मधुर ध्वनि से। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। वो ब्रह्म ज्ञान ही है जब मानव अपने इस अंतर्घट में उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म स्वरूपा माँ को जान लेता है, देख लेता है, उसके दर्शन कर लेता है, तो उस समय उसे बोध होता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व क्या है। जब वो अपने वास्तविक अस्तित्व को जानता है कि वह कोई साधारण नहीं, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, अपने उस ब्रह्म स्वरूप को देखता है, जब अपने उस वास्तविक स्वरूप को जब देखता है, तो फिर उसके जीवन का रुख परिवर्तित हो जाता है। निकृष्टता से की ओर बढ़ता हुआ उसका जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ने लगता है। जब वो अपने अंतर्घट के भीतर उस ब्रह्म के दर्शन करता है, तब ध्यान साधना को कर उस अवस्था तक भी पहुंचता है जहां कण कण में वो उस ब्रह्म के दर्शन करता है। तब भेद ये सब कुछ उसके भीतर से खत्म हो जाते हैं और तभी समाज का श्रेष्ठ निर्माण करने के लिए वो अपना योगदान दे पाता है। भक्तों, इस मानव जीवन का लक्ष्य है उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना। आप सब लोग आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को, बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते होंगे और उन एप्लीकेशंस में मोस्टली दो वर्जन्स आते हैं। एक है बेसिक वर्जन और दूसरा होता है प्रीमियम वर्जन या फिर एडवांस्ड वर्जन। अब जो बेसिक वर्जन होता है वो तो सबको मिलता है, रेडिली अवेलेबल होता है, मोस्टली फ्री होता है। लेकिन प्रीमियम वर्जन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसको आपको अर्जित करना पड़ता है, तब आपके पास प्रीमियम वर्जन आ जाता है। और प्रीमियम वर्जन में कुछ एडेड बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ होती है जो आपके काम को बहुत आसान बना देती है, जो आपको प्रिविलेज महसूस करवाती हैं। ठीक ऐसे ही ये मानव देह जो हम सबको मिली है, 7 बिलियन की आबादी को मिली है, ये मानव देह जो है ये अभी अपने बेसिक वर्जन में है, ये सबको मिली है। इसके लिए भी प्रयास किए गए, 84 लाख योनियों की यात्रा की गई, लेकिन आज ये बेसिक वर्जन हमें मिला है। और ये बेसिक वर्जन अपॉर्चुनिटी है कि हम बेसिक से प्रीमियम वर्जन पर जा सकते हैं। इस मानव देह का प्रयोग जो हम अभी कर रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ अपनी मनमर्जी को पूरा करने के लिए, ये इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। या कर्तव्यों के नाम पर हम जो कार्य करते हैं, सुबह उठना, खाना, कमाना, ये सारी काम, ये भी इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। इस मानव देह का, ये तो बेसिक वर्जन में चल रहा है, इस मानव देह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तब हम जान पाएंगे जब हमारे पास प्रीमियम वर्जन होगा। इस मानव देह को प्राप्त कर हमारा उद्देश्य है कि हम बेसिक वर्जन से आगे बढ़कर प्रीमियम वर्जन तक पहुंचे। वो प्रीमियम वर्जन क्या है? मानव से महामानव बनने की यात्रा है, वो प्रीमियम वर्जन है। वो हमारी अवस्था जहाँ पर मानव के भीतर ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो जाते हैं। जब मानव अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वो समाज की श्रेष्ठ इकाई बनता है, तब वो समाज का रूप परिवर्तित कर देता है और वही महामानव धरा पर स्वर्ग को कायम कर देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य यूं दुर्बल होकर अपने जीवन को खत्म कर देना नहीं है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, अशांति, ये बिजनेस एज यूजुअल एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए नहीं बनाया भगवान ने संसार को ताकि हमें कष्ट हो। भगवान ने संसार को आनंदित होकर बनाया। भगवती ने आनंदित होकर इस संसार को बनाया, और जब वो पूर्ण आनंद में थी तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानव को बनाया ताकि वो भी आनंदित रहे, उसका जीवन शांत आनंदमय हो। ऐसे दुर्बल और ऐसा दुखी जीवन देने के लिए हमें नहीं बनाया। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में इस परम विज्ञान को प्राप्त करें। जब ब्रह्म ज्ञान आएगा जीवन में, तो हमारे जीवन की दशा बदल जाएगी। जब ब्रह्म ज्ञान आएगा जीवन में, तो हम अपने बेसिक वर्जन से प्रीमियम वर्जन की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम उठा लेंगे। तब पहला कदम हो जाएगा, और जब हम ये कर लेंगे तब समाज जो है वो अशांति से शांति की ओर कदम बढ़ाएगा। इसीलिए एक बार सदगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक जर्नलिस्ट आए और उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज श्री, आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? समाज सुधार के लिए आपका कौन कौन से कार्य है? महाराज श्री ने कहा, मैं समाज सुधार के लिए कार्य नहीं कर रहा, मैं समाज को जागृत करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एक व्यक्ति सो रहा है, उसे आप सजा, सवार और सुधार दोगे, बाहर से उसकी दशा को सुधारोगे, तो वो सोते सोते अपनी दशा को फिर खराब कर लेगा। इसलिए अगर इंसान जाग जाएगा तो वो खुद ही जागकर अपने आप को सजा, सुधार और सवार लेगा। इसलिए हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समाज को जगाने आया है, उसके ब्रह्म स्वरूप, उसके आत्म स्वरूप के प्रति। महर्षि ने इस कार्य को कैसे किया? ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर किया। क्योंकि महाराज श्री कहते हैं, जिस कंपैशन, जिस ह्यूमिलिटी, जिस प्रेम, सौहार्द को हम प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर से इन्फॉर्मेशन दे देकर इंसान के अंदर फीड करना चाहते हैं कि आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो, इसे बाहर से नहीं दिया जा सकता। प्रेम, दया, शील, क्षमा, महाराज श्री कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान के वृक्ष पर लगने वाले फल हैं। इसलिए सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जन जन को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आपने केवल कॉन्सेप्ट नहीं सुना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक ऐसी संस्था है, विश्व की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर ईश्वर की केवल बातें नहीं होती, जहाँ पर भगवती की केवल बातें नहीं होती, जहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट्स नहीं रखे जाते, जहाँ पर उस ईश्वर का दर्शन भी होता है। सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हस्त तले उस ब्रह्म ज्ञान को सैकड़ों सैकड़ों लोगों को, विश्व के करोड़ों लोगों को प्रदान किया गया है, और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। ये कथा आपके समक्ष केवल कॉन्सेप्ट्स को लेकर नहीं आई है, उस ब्रह्म ज्ञान को भी लेकर आई है। आप भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। Attaining that ब्रह्म ज्ञान is your birthright. उसको प्राप्त करना आपके जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए भक्तों, आज तो केवल प्रथम दिवस था, हमने इस बातों को विस्तृत एक ओवरव्यू की तरह हमने सुना है, लेकिन आगे के कथा प्रसंगों में जानेंगे कि कैसे हम अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान किस प्रकार हमें हमारी हर उलझन से मुक्त करता है और वो ब्रह्म ज्ञान किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आगामी दिनों में हम जानेंगे। आज के कथा प्रसंग को यहीं संपन्न करते हैं और एक बार दोनों हाथ जोड़कर महामाई के चरणों में जोरदार जयघोष अर्पित करेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय, सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय, सदगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आज के इस सुंदर एवं प्रेरणादायी कथा प्रसंग के लिए हम आप सभी की ओर से आदरणीय कथा व्यास जी को हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं और साथ ही उन सभी यजमानों का भी धन्यवाद जिन पर महामाई की असीम कृपा हुई और वो इस महान आयोजन हेतु निमित्त बन सके। आए अब समय हो चुका है माँ की पावन पुनीत आरती में सम्मिलित होने का। हम आग्रह करते हैं सभी भक्त श्रद्धालुओं से जो वर्चुअली इस कथा को देख रहे हैं कि वो अपने घरों में ही महामाई के पावन दरबार के समक्ष खड़े होकर इस आरती में सम्मिलित होंगे। इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी नारायणा विहार दिल्ली से, श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी आयुर्विज्ञान नगर दिल्ली से, श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी आर के आश्रम मार्ग दिल्ली से, श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी सरस्वती विहार गुरुग्राम से, श्री मनसाराम जी एवं उनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी जी नारायणा दिल्ली से, श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी एजीसीआर एनक्लेव दिल्ली से, श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनके सुपुत्र श्रीमान कुलभूषण जी पहाड़गंज दिल्ली से, श्री सोबरन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी गोल मार्केट दिल्ली से, श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी न्यू राजधानी एनक्लेव दिल्ली से, स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी मयूर विहार दिल्ली से, कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी श्रीमती बादामी देवी जी करोल बाग दिल्ली से, श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी वेस्ट पटेल नगर दिल्ली से, श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी मयूर विहार दिल्ली से, श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु जी वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से, श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी करमपुरा नई दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री संजय चौहान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति चौहान जी जीटीबी एनक्लेव दिल्ली से, श्री मिनेंद्र वार्षणय जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता वार्षणय जी साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, श्री राजेश कुमार शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चेतना शर्मा जी शहादरा दिल्ली से, श्री महेंद्र कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता देवी जी शादीपुर दिल्ली से, श्री अशोक शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम शर्मा जी करमपुरा दिल्ली से श्री शत्रु सूदन कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता करण जी बलजीत नगर दिल्ली से, श्री धर्म सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू देवी जी मीत नगर दिल्ली से, श्री वकील कुमार गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला गुप्ता जी मयूर विहार दिल्ली से। आए अब आग्रह करते हैं मंचासीन सभी साधु समाज से कि वो माँ की पावन आरती का गायन करेंगे और साथ ही हम सब अपने घरों में माँ की इस पावन आरती में सम्मिलित होंगे। एक बुलंद जयघोष महामाई के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय, साचे दरबार की जय, सदगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, माता दी 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 जय, माता दी। जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को, मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, कनक समान कलेवर रतांबर राजे, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भुजाचार्य अतिशोभित वर मुद्राधारी, भुजाचार्य अतिशोभित वर मुद्राधारी, मनवा वांछित फल पावत सेवत नर नारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजन कोटि रतन ज्योति। श्रीमाल के तुम राजन कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम कदले गर्वसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं। आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वर्दोहव। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जग्ये न जग्यमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेहना कम महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम तदपुरुषाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। शेवंतिका वकुल चंपक पाटलाभै। पुण्या गजाधिकर वीर रसाल पुष्पै। बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूज पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बाके बिहारी लाल की जय, आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय कराए माँ शेरा वालिदा बोल सके दरबार की जय, जय कराए पहाड़ा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, जय कराए माँ जोता वालिदा बोल साचे दरबार की जय, हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय माता दी, 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 जय माता दी। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शूद्रता का भाव कोई अब नान्तस में पलेगा, नहीं सूनापन समूहों में किसी को अब खलेगा, ना कुटिलता छद्मना अब स्वार्थ के संबंध होंगे, सब सहायक दुख व तकलीफों में एक दूजे के होंगे। आपके वरदाई में का वर हमें जो मिल सकेगा, आपके वरदाई में का वर हमें जो मिल सकेगा। जगत में आबो हवा हम दिशैली रहने न देंगे, माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा, माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा, भूल हम कोई भी कुमलाने व मुरझाने न देंगे, जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहे। नहीं।